हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के दो वीडियोस देखने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाए। और चाहे देखिए NTSC ओलंपियाड आपके कोई भी एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम हुए और भाई नीट JEE हर चीज़ तो आपको अवेलेबल करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। तो जैसा कि कक्षा 10वीं संस्कृत में हम संस्कृत भाषायाम अनुवाद जो CBSE ने स्टार्ट किए हैं आके 2020 से, ठीक है ना। तो 2020 के पहले जो भी आपके 2016 या जितने जिस भी सन से अपने प्रश्न पत्र बन रहे थे तो उनमें संस्कृत अनुवाद करना नहीं आते थे। 2020 से आपके सिलेबस में ऐड हुए, यानी आपकी परीक्षाओं में अनुवाद पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखे होते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, उनको संस्कृत भाषायाम याम लगा है तो समझ जाइए कि भाषा शब्द हमारा कैसा है, अकारांत शब्द, आकारांत शब्द है और उसमें जो याम है वो कह रहा है मैं, यानी संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। जैसा कि बच्चे करते आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा तो इतना तो पता है ही कि भाई कैसे हम हिंदी को करते हैं संस्कृत में ट्रांसलेट। नहीं है पता तो भी हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि इस प्रकार से आपके लिखे होंगे प्रश्न, हमारा होगा अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायाम अनुदिलिखत। आपको क्या करना है, नीचे लिखे हुए वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना है, ठीक है ना। तो क्या मतलब हिंदी में जैसे लिखा है पिता दूध लाता है, ठीक है, और इंग्लिश में भी लिख दिया कि फादर ब्रिंग्स मिल्क। तो थोड़ा सा आपको समझ में तो ये तो आ जाएगी कि भाई किसकी बात हो रही है। कुछ बच्चों को नहीं एकदम से हिंदी समझ में आ पाए तो यहाँ से तो आप समझेंगे कि ब्रिंग हो रहा है यानी लाने की बात हो रही है, फादर है मिल्क दूध लाने की बात हो रही है। तो अब हम इन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे, तो हमें क्या देखना होता है, अनुवाद जब भी हम करें, समझ रहे हैं, जब भी हम अनुवाद करें तो हम पहले वाक्य को पढ़ के उसकी पहले क्रिया को समझें यहाँ पे, क्योंकि क्रिया जो होती है वो हमें बाकी सारी चीज़ों का ज्ञान करवाती है कि आगे जो लगे हुए शब्द हैं वो कौन हैं, वो कौन है और उन्हें हमें संस्कृत में किस विभक्ति में बदलना है। क्योंकि आप अगर क्रिया को छोड़ दें तो क्रिया के रूप कैसे बनते हैं, हर लकार के अनुसार बनते हैं। जैसे हमारा लट लकार हो गया, लंग लकार हो गया, लोट हो गया, विधिलिंग हो गया, लिट हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से लकार में आ जाते हैं। तो क्रियाएं हम बना लेंगे अपने लकार के हिसाब से, काल के हिसाब से, लेकिन क्रिया से भी पूछेंगे कि आगे लिखे हुए जो शब्द हैं वो कौन हैं, उनको हम संस्कृत में कैसे बदलें। जैसा कि हमने कारकों में आपको पढ़ाया है कि जिन शब्दों का संबंध सीधा सीधा क्रिया से होता है, यानी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया के द्वारा जिसको हम सबसे अधिक पसंद करते हैं वो हमारा कर्म होता है, सहायता किसी काम को करने में जो सहायक बनता है वो हमारा कर्ण बनता है, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसको हम संप्रदान कहते हैं, जिस स्थान से कोई चीज अलग होने का भाव हो रहा हो, प्रकट होने का भाव हो रहा हो, उत्पन्न होने का भाव हो रहा हो, तो वो हमारा अपादान कारक बनता है। दो चीजों में जब संबंध बताया जाता है तब हमारा जिस पहले शब्द से दूसरे का संबंध होता है तो पहले शब्द को संबंधवाचक हमारा शब्द कहते हैं, और जो हमारी क्रिया का आधार बनता है उसको अधिकरण कहते हैं। तो अधिकरण यानी कोई ना कोई स्थान रहा होगा जहाँ पे वो काम है, हो रहा है, ठीक है। तो क्रिया से ही हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें आगे वाली चीज़ों का पता चलता है कि वो है कौन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे काम क्या हो रहा है, क्रिया यानी काम, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, लाना, लाना क्या हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे लाता है तो पूछ लेना कि कौन लाता है, ने लिखा हो या नहीं लिखा हो। बच्चे कैसे पहचान करते हैं कि कर्ता के साथ में ने का चिन्ह लगा हुआ हो, कर्म होगा तो उसके साथ में को का चिन्ह लगा हुआ होगा, करण होगा तो उसके साथ में से या के द्वारा का चिन्ह लगा होगा, है ना, संप्रदान होगा तो उसमें हमारा कौन सा के लिए का चिन्ह लगा होगा, ठीक है ना, के लिए लिखा हुआ होगा। यहाँ जहाँ हमारा अपादान कारक होगा वहां पर से होगा और वो भी अलग होने वाला, कौन सा, अलग होने वाला। फिर इसके बाद कहेंगे संबंध, संबंध जो कारक होता है उसके साथ में काकी के जुड़ा होता है। हालांकि इसको कारक की श्रेणी में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता, राम का घर तो राम और घर में बीच में संबंध है बस, इसलिए इसको हिंदी में तो रखते हैं संस्कृत में नहीं रखते हैं। अधिकरण हमारा होता है
अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार बनता है उसका चिन्ह होता है मैं और कर। तो हम देखते कैसे, हम सोचते हैं कि जिस शब्द के बाद में नी लगा होगा वो कर्ता होगा और कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता को हम प्रथमा विभक्ति में बदल देंगे। हमने सूत्र आपको इसीलिए याद करवाया है, साथ साथ में बोलिए, याद कर लीजिए, कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीय। अब बच्चे कहेंगे कर्मणि क्या होता है, तो कर्म शब्द में जब सप्तमी लगाते हैं तो बन जाता है कर्मणि, ठीक है, कर्मणि यानी कर्म में द्वितीय, कर्तरी कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, तो हम कहेंगे कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति। अर्थात आपने शब्द रूप जो याद किए हैं, जैसे पिता के शब्द रूप कहाँ से आते हैं, पिता शब्द कहाँ से बनता है, मैं पितृ शब्द से बनता है, मूल शब्द क्या होता है पितृ, ऋकारांत शब्द होता है। तो भाई जो हमारा कर्ता होगा, काम करना कर रहा होगा, अब पिता हो, बालक हो, लड़का हो, लड़की हो, हवा हो, पानी हो, बादल हो, जो भी हो, वो हमारा कर्ता बनेगा और प्रथमा विभक्ति में उसको रूप में हम परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, करणे तृतीय, करण में हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अब विभक्ति का मतलब समझ रहे हैं, जो शब्द रूप हमने याद किए हैं बचपन से, जब छठवीं कक्षा से जैसे ही हमारे सामने संस्कृत आई, शब्द रूप सबसे पहले दे दिए गए, क्योंकि शब्द रूप ही क्या होते हैं पूरे संस्कृत में, यहाँ पे हर एक शब्द जैसे लिखा है वाक्यानी, अधो यानी नीचे, यहाँ से अगर उत्तर संधि को हटा दे तो अध, तो हमारा क्या बन गया, अव्यय बन गया, अध यानी नीचे, लिखितानी लिखे हुए, वाक्यानी तो जो आनी लगा हुआ है, ये कह रहे हैं या तो ये आनी जो शब्द है या तो इसको संज्ञा बना रहा है, ये नीचे लिखे हुए वाक्य, या फिर के यहाँ पे ये क्या बना रहा है, संज्ञा के स्थान पे कर्ता के साथ साथ में ये क्या बना रहा है, इसको कर्म बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि हमने भाई शब्द रूप फल के पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि प्रथमा विभक्ति में फल बनता है फलम, फले और फलानी, और फिर द्वितीय में भी बनता है फलम फले फलानी, ठीक है। तो जहां आनी लगा होगा या तो वो आनी प्रथमा का विभक्ति का होगा या हमारी द्वितीय विभक्ति का, तो या तो उसमें वो नी का चिन्ह जोड़ देगा या सिर्फ उसके नाम को बताया जा रहा होगा, कोई चिन्ह भी ना जोड़ो तो हम कहेंगे लिखे वाक्य, बस लिखे हुए वाक्य, और एक नहीं है बहुत सारे हैं। इसके बाद या अगर हम इसको द्वितीय का माने तो इसमें को का अर्थ जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे नीचे लिखे हुए वाक्यों को, ठीक है। तो दोनों ही हम अर्थ इसमें लगा सकते हैं। तो ये जो शब्द रूप होते हैं वो हम किस लिए याद करते हैं, इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, कि जो संस्कृत में कहीं आनी लिखा है, कहीं याम लगा हुआ है, कहीं अनुद्य लिखा हुआ है, कहीं लिखत लिखा हुआ है, तो इनका अर्थ निकल क्या रहा है, ठीक है ना। तो भाई चाहे हिंदी से हम संस्कृत को परिवर्तित करें या संस्कृत से हिंदी में हम उसका रूप याद रख रहे हों या उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हों या उसका अनुवाद कर रहे हों, क्योंकि जब पत्र लेखन आता है तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ को कैसे पाते हैं, जब हमें शब्द रूप याद होते हैं। कहीं भाई बालकाय लिखा हुआ है, तो जब बालकाय हमें पता होगा कि हम उसको चतुर्थी विभक्ति में बनता है, चतुर्थी विभक्ति में बालक शब्द बालकाय बनता है, तो संप्रदान के हिसाब से उसमें के लिए का चिन्ह जुड़ जाएगा। कहीं हमें बालकिन लिखा हुआ है तो हम कहेंगे बालकिन तो तृतीय विभक्ति में बनता है, तो और करणी तृतीय, करण में तृतीय होती है, अर्थात करण का चिन्ह उसमें जुड़ जाएगा, यानी अर्थ बनेगा कि बालक से या बालक के द्वारा, ठीक है। कहीं अगर हमारे सामने पंचमी विभक्ति का, यानी जो आपने शब्द रूप देखे हैं ना, पहली लाइन किसके लिए होती है, कर्ता के लिए और संज्ञा के लिए, साथ साथ में ये लिख दीजिए, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम, केवल कोई कर्ता भी ना बन रहा हो, केवल नाम बताना, कहा यह वृक्ष है, ये पेड़ है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये वो कोई काम ना कर रहा हो, केवल उसका नाम बताना हो, तब भी हम उनको प्रथमा विभक्ति में बताएंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे एषः बालक, नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एषः बालकः, प्रथमा विभक्ति का रूप प्रयोग करेंगे। तत, अब तत शब्द आया कि फल रखा हुआ है, वह फल है, तो हम कहेंगे तत फलम, तत फल नहीं कहेंगे, प्रथमा विभक्ति में रूप बना के हम कहेंगे तत फलम, वह फल है, ठीक है ना। तो हमें ये याद भाई रखना है कि किस में हमें क्या जोड़ना है, तभी हमारे वाक्य हमारे सही बनेंगे और हमारे कोई भी गलती नहीं होगी।
तो हम देखेंगे कि अलग होने वाला से अगर हमें दिख रहा है तो वो पंचमी विभक्ति का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ संबंध होगा वहाँ षष्ठी लगाई जाएगी, यानी जो छठवीं लाइन है उसका प्रयोग करेंगे, और जो अधिकरण कारक होगा उसमें हम सप्तमी लगाएंगे। अर्थात किसी में अगर लिखा हुआ हो कि गाँव में रहता है, लड़का गाँव में रहता है, तो गाँव के साथ में मैं लगा है तो गाँव को हम ग्राम में बना देंगे, यानी सप्तमी विभक्ति में उसका रूप बना देंगे। पर लिखा हुआ है तो हम कहें कि छत पर चढ़ा है ना, छत पर चढ़ा है, कमरे कहते पेड़ पर चढ़ा है, या किसी पर भी चढ़ा है, तो पर या में जिस शब्द के साथ में लगा होगा उसको हम सप्तमी में बनाएंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो अब ऐसे आप हालांकि क्या देखोगे कि कर्ता कौन होगा जिसके साथ में ने हो, लेकिन कभी कभी ने छुपा भी होता है, स्पष्ट नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिया से पूछा कि भैया बताइए आप लाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो उन्होंने कहा पिता। कौन कर रहा है यहाँ पे, पिता। तो यहाँ पे पिता के साथ में नी नहीं भी लगा है, लेकिन फिर भी काम तो पिता ही कर रहे हैं ना, तो पिता कौन हो गए, कर्ता। मतलब कहते हैं कहीं कहीं पे कर्ता के साथ में कहीं आपको नी दिखेगा भी और कहीं पे भी इनविजिबल भी होता है, यानी छुपा हुआ होता है, नी का भाव छुपा हुआ होता है। यानी किसने ला के दिया, पिता ने ला के दिया। तो नी आया लेकिन उसका भाव छुपा हुआ है, वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन काम तो कौन कर रहा है ऐसे हमें पता चलेगा। हम क्रिया से पूछेंगे बताइए किसने किया ये काम, किसने लाने का काम किया, कहेंगे पिता ने लाने की किया। तो पिता कौन बन गए हमारे, कर्ता, ठीक है। लाने के द्वारा उनने अपनी क्रिया की, क्रिया के द्वारा उनने किसको चाहा, पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाहा, कहा संस्कृत को पढ़ना चाहा। जाने के द्वारा कहाँ जाना चाहा, हमने कहा हमने बाजार जाना चाहा, उसने कहा हम गांव गए, हम नगर गए, हम विद्यालय गए। तो जहाँ जाना चाहा वो आपका कर्म हो गया। भैया सुबह से उठकर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पढ़ने के द्वारा मैंने समाचार पत्र पढ़ना चाहा। सुबह उठकर पीने के द्वारा मैंने दूध पीना चाहा, चाय पीनी चाहिए, तो वो हमारा कर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूछे लाने के द्वारा क्या लाना चाहा, उसने लाने के द्वारा उसका कर्म क्या, क्या लाना चाह रहे थे, बोले दूध लाना चाह रहे थे, तो दूध उनका क्या बन गया, कर्म बन गया। अब हमें मिल गई चीज़ें कि हमें पिता को कैसा संस्कृत में परिवर्तित करना है, क्योंकि ये सूत्र कहता है कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो पितृ शब्द के रूप जो होते हैं प्रथमा विभक्ति के, क्योंकि कर्तरी प्रथमा, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, तो पितृ के जो रूप बनते हैं, एक वचन में बनता है पिता, द्विवचन में बनता है पितरौ, और बहुवचन में बनता है पितरः, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा एक चीज को सोचकर आप बड़े अचंभित हो रहे होंगे कि हम तो पिता को हिंदी समझ रहे थे, ये तो संस्कृत की प्रथमा विभक्ति का एक वचन निकला। तो हमने कहा हाँ वहीं से तो आए, अब माता पिता कहाँ से आए, संस्कृत से ही आए हैं। तो पिता शब्द हमारा प्रथमा विभक्ति, क्योंकि पिता एक है, दो नहीं है, बहुत सारे नहीं हैं, तो हमने प्रथमा कर्ता के हिसाब से प्रथमा विभक्ति का पिता के रूप उठाए और उसमें से एक वचन वाले रूप को उठा के यहाँ लिख दिया, हमने कहा पिता। अब दूध, दूध को क्या कहते हैं, दुग्ध कहते हैं, पय भी कहते हैं, तो हमने कहा हम तो दुग्ध, हमें आसान लगता है, हम तो दुग्ध को लेके चलेंगे। तो दुग्ध हमारा कौन बन रहा है, कर्म, कर्मणि द्वितीया। तो दुग्ध हमारा कैसा हो रहा है, दुग्ध शब्द कैसा बन रहा है, अकारांत बन रहा है, अ से अंत हो रहा है। तो जैसे फल के अनुसार हम रूप बनाएंगे, क्योंकि दूध ना तो भाई पुरलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग है, तो फल जैसे रूप बनाएंगे। तो फल के अब हम रूप देखें तो प्रथमा द्वितीया में क्या बनते हैं, प्रथमा में भी बनता है फलम फले फलानी, फले फलानी, और द्वितीया का द्वितीया में भी, द्वितीया विभक्ति में भी, यानी हमारी जो शब्द रूपों की दूसरी लाइन है उसमें भी यही रूप बनता है फलम फले फलानी, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति में बदलेंगे, तो दूध हमारा बन जाएगा दुग्धम। तो हमने कहा पिता दुग्धम। अब आती है लाने की क्रिया, तो हमारी एक धातु होती है, कौन सी धातु होती है, नी। नी का अर्थ होता है ले जाना, क्या होता है, ले जाना। तो उसका उल्टा लाना किससे बनेगा, अब अच्छा जो नी जो होती है उसके जब रूप बनाए जाते हैं, रूप यानी कैसे, जब हम क्या करते हैं कि उसको, अभी तो ये नी इसका मूल शब्द है, इसका अर्थ है ले जाना, लेकिन अब हमें ले जाने को कहना है ले जाता है, ले जाएगा, या ले जाता था, ले गया था,
है ना, ले जाओ, है ना, या फिर कहें ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने कहा कि कहीं पे हमने कहा ले जाता है, ले जाता है, कहीं हमने कहा लाता है। अब कह ले जाने की बात हो रही है, लाने की बात नहीं हो रही है। अब हमें उल्टी बात कह दी है, विपरीत बात कर दी है। अभी जाने की, किसी चीज़ को लेकर जाने की बात हो रही थी, अब हमें लाने की बात हो रही है, तो उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो नी को पहले हम पहले कहेंगे कि नी के जब नी धातु में जब लकार के प्रत्यय जोड़े जाते हैं, लकार के प्रत्यय यानी कि जब लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, इन सब के प्रत्यय कौन से होते हैं, ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, लट लकार के, त ताम न अह तम ता अम आव आम, हमारे लंग लकार के। फिर कहते हैं श्यति श्यतः श्यंति श्यसी श्यतः श्यत श्यामी श्याव श्याम, हमारे भविष्य काल के, तू ताम अंतु, ये हमारे कहाँ के बनते हैं, लोट लकार के, एत एताम एयुह विधिलिंग लकार के बनते हैं। तो ये जो प्रत्यय होते हैं क्या नी में बनते हैं, हम क्या नीति नीतः नियंति कुछ ऐसा करते हैं, नहीं, नी धातु का रूप बदल के नए हो जाता है, क्या हो जाता है, नए। अब नए में परिवर्तित होके तब इसमें रूप बनते हैं नयति नयतः नयंति, समझ गए। तो हमने कहा नी का हमने जब हम उसको क्रिया में बदलेंगे, धातु के रूपों में बदलेंगे, यहाँ प्रयोग करने के लिए बदलेंगे, तब हम उसमें कोई ना कोई लकार के हिसाब से प्रत्यय जोड़ देंगे, तो हमारा रूप नी का बन जाता है नए। अब लेकिन ये तो ले जाने की बात कर रहे हैं, हमें लाने की बात करना है, तो इसमें हम जोड़ देते हैं आ उपसर्ग, आ उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो नए का अर्थ जहाँ हो रहा है ले जाना, और आनय का अर्थ हो जाएगा लाना, क्या हो जाएगा, लाना, ठीक है। नी का यानी नए का हो गया ले जाना, और जैसे कहते हैं लेकर जाता है, मतलब ले जाता है, ठीक है, लेकर जाता है, ले जाता है, ठीक है। तो ले ले जाने की बात को हम नए से दर्शाएंगे, लेकिन लाने की बात को हम आनय से दर्शाएंगे, आनय से हमने दर्शा दिया, ठीक है। हमारे पास आनय, हमें धातु मिल गई। अब इसके बाद आते हैं, ये हमारी स्पष्ट हो गई आप सभी को चीज़ें, इनको हम इरेज कर दें, समझाने के लिए बताई थी हम अपने कारक उपपद विभक्ति का जो हमने सूत्र पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको ये सब चीज़ें समझा भी दी हैं हमने सारी, और इनकी उपपद विभक्तियों को भी हमने सबको समझा दिया कि किन चीज़ों के रहने से कब कब हमारी विभक्तियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, है ना, ये चीज़ भी हम बता चुके हैं। अब हमने कहा पिता हो गए हमारे प्रथमा के, इसके बाद दूध हो गया हमारा कर्म यानी द्वितीय विभक्ति में। अब हमें लाने की क्रिया करनी है तो आनय लिखना है, जो क्रियाएं बताते जा रहे हैं किस कुन को, कोई कोई सी क्रियाएं आपको नहीं हो पता, आपको लग रहा हो कि नहीं इसको हमें याद रखना है, तो उनको लिखते जाइए, शॉर्ट्स भी बना रहे हैं तो उसमें से भी आप याद करते जाइए, ठीक है ना, बताते जा रहे हैं कि उनके रूप कैसे बनने हैं। अब आती है बात क्रिया, हमने कहा पिता दुग्धम आनय, अब क्या केवल हम आनय लिख दें क्या लाने के लिए, आनय का प्रयोग कर दें, बोले आनय तो मूल रूप है, आनय का अर्थ है लाना, ले जाना नहीं, लाना, बस। अब आनय का अर्थ केवल है लाना, किसी भी चीज को लाना, दूध को लाना, लेकिन अब इसमें काल कैसे पता करें कि ये लट की बात हो रही है, वर्तमान की हो रही है, ला, अब कहा कि लाते हैं, लाता है, या ले लाए थे, है ना, या फिर लाएंगे, या फिर लाओ, या फिर लाना चाहिए, ये सब चीज़ तो बोले कैसे पता चलेगा, क्रिया के अंत में है, हूँ, हो, देखे, समझना, उस क्रिया को हमें लट लकार के प्रत्ययों के साथ में बनाना है। लट लकार की प्रत्यय हमसे कहते हैं कि आप जब संस्कृत में क्रिया को परिवर्तित करें और वो काम वर्तमान काल में हो रहा हो तो उस क्रिया में इन प्रत्ययों को जोड़ देना, कौन कौन से जोड़ देना, तो कहा एक वचन के लिए ति लगा दीजिएगा, द्वि वचन के लिए दह लगा दीजिएगा, और बहुवचन के लिए अंति लगा दीजिएगा, ठीक है। ये किसने कहा, लट लकार ने कहा, वर्तमान काल ने कहा कि वर्तमान में अगर काम हो रहा होगा तो उस मूल कामवाची शब्द जो होगा, क्रियावाची शब्द होगा, या जो मूल धातु होगी उसमें आप इन प्रत्ययों को लगाएंगे, किसके लिए, प्रथम पुरुष के लिए। अब पुरुष वाली बात हम समझा चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई नया बच्चा जुड़ा हो जिसको बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञान ना हो, नहीं हो पता, और भाई जिसको पता होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं पता होगा उसको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना।
लट लकार कहता है कि पुरुष के हिसाब से आप क्या करना, कर्ता जो क्रिया होगी उसमें आप इन प्रत्ययों को जोड़ देना। तो प्रथम पुरुष के लिए उसने कहा तीतह अंति, मध्यम पुरुष के लिए कहा उसने सीतह थ, और उत्तम पुरुष के लिए कहा आमी आवह आमह। अब इनको भी हम बता दे रहे हैं कैसे बनाते हैं, आमी आवह और आमह, ठीक हो गया। अब फिर से आपने कहा कि आनय में अब हम आनयति लिख दें, ती लगा दें, तह लगा दें या अंति लगा दें, रूप तो एक ही चाहिए, बहुत सारे तो नहीं चाहिए, नौ प्रकार के तो थोड़ी ना बनाएंगे कि आनयसी भी लिख दें, आनयथ लिख दें, आनयथ लिख दें, नहीं, रूप तो एक ही चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्रिया को कर कौन रहा था, कर्ता कर रहा था, कौन कर रहा था, कर्ता, तो उस कर्ता को ही पुरुष कहा जाता है, उसके अनुसार ही क्रिया आती है। तो कहेंगे कैसे, ऐसे कि हम इस कर्ता को, कर्म से मतलब नहीं है, कर्म बाकी के जितने भी आपके कारक होते हैं, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, आपादान हो गया, संबंध हो गया, अधिकरण, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे क्रिया का कोई लेना देना नहीं है, क्रिया का लेना देना है तो कर्ता से, ठीक है, कर्ता से लेना देना है। तो क्रिया कहेगी कि हमें तो इस कर्ता की दो चीज़ें पहचाननी है। बोले क्या पहचाननी है, क्योंकि हमारी क्रिया दो तरह से विभाजित होती है, पुरुष और वचन के अनुसार, पुरुष पुरुषों और वचनों के अनुसार दो कैटेगरी में विभाजित रहती है। तो हमें कर्ता की भी दो ही कैटेगरी देखनी है, दो ही चीज़ों को पहचानना है कि वो किस पुरुष का है और वो किस वचन का है, यानी संख्या में वो कितना है और वो पुरुष कौन सा है। सबसे पहले पुरुष पहचानेंगे, पुरुष पहचाना तो पुरुष में हमने याद रखने की तरीका बताया कि काम करने वाले तीन ही कैटेगरी के होते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन का मतलब वो नहीं है कि कोई आदमी है, यहाँ पे भी पुरुष का मतलब वो नहीं है कि आदमी की बात हो रही है, पुरुष का मतलब है काम करने वाला, कर्ता, ठीक है, काम करने वाला जिसके अनुसार क्रिया आने वाली है। तो वो तीन प्रकार का हो सकता है, कैसा हो सकता है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, इससे हम याद रखेंगे। इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर कर्ता की जगह पे काम करने वाला, अगर यहाँ पे पिता की जगह अगर मैं लिखा हुआ होता, मैं दूध लाता हूँ, अगर ये लिखा हुआ होता, है की जगह पे हूँ हो जाता, हूँ हो सकता है, मैं दूध लाता हूँ, तो क्रिया जो होती, क्रिया कहती कि मैं इस कर्ता को पहचान रही हूँ कि ये कौन है, तो कहेंगे मैं उत्तम, यानी उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो क्रिया कैसी आती, मुझे जो आने जो क्रिया हो रही थी उसमें हम आमी लगा देते, तो हम यहाँ पे कहते कि अहम आनयामी, ये हमारी क्रिया बन जाती, ठीक है। अब लेकिन कहा कि नहीं, मैं नहीं होता, मैं अभी तो एक वचन की बात हो गई, नहीं, मैं अगर मैं दो हो जाऊं तो क्या मेरे का कोई डुप्लीकेट निकलेंगे, नहीं, मैं दूध लाता हूँ लेकिन रास्ते में मेरा भाई मेरे साथ मिल गया या मेरा मित्र आ गया, तो हमने कहा हम दोनों दूध लाते हैं, हम दोनों दूध लाते हैं, तो मैं तो बना ही रहा ना साथ में, लेकिन हमने क्या कहा, हम दोनों, यहाँ कर्ता कौन हो गया, मैं की का द्विवचन हो गया, मैं का द्विवचन, मैं दोनों तो कहते नहीं है हिंदी में, उसको क्या कहते, हम दोनों, तो हमने कहा हम दोनों, ठीक है। तो हम दोनों के लिए क्रिया उत्तम पुरुष की ही आएगी, लेकिन अब द्विवचन की हो जाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, आन या वह, क्रिया इस प्रकार हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि नहीं, हम सब, हम तीन चार बच्चे इकट्ठे गए और हम सब दूध लेकर आए, हम सब दूध लाते हैं, हमने कहा हम सब जाकर दूध लाते हैं, ठीक है। तो हम सब, अब ऐसा नहीं कि मैं सब कहेंगे, उन्हें हिंदी में मैं का जब बहुवचन बनाया जाता है तो उसको हिंदी में हम लिखते हैं, हम सब लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, तीन प्रकार से मिलेंगे, हम लिखा हुआ हो कि हम सब, हम लिखा हुआ हो हम लोग, ठीक है, हम सभी, हम लोग या हम सब लिखा हुआ हो, समझ जाना कि यहाँ पे मैं जो शब्द है वो कैसा बनना है, बहुवचन में बन रहा है, यानी वो हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आन या मह, क्रिया इस प्रकार से बदल जाएगी, ठीक है। अब हमने उत्तम पुरुष को पहचान लिया कि मैं, हम दोनों या हम सब। अब यहाँ पे अगर उत्तम पुरुष नहीं है,
मैं, हम दोनों, हम सब नहीं लिखा है, हम लोग नहीं लिखा है, तो ये कर्ता उत्तम पुरुष का नहीं है, अर्थात क्रिया हमें उत्तम पुरुष की नहीं लेनी है। तो मैं उत्तम, यानी यहाँ उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं है, क्रिया हमारी छूट गई। फिर कहा तुम मध्यम, तो तुम दूध लाते हो, यहाँ तुम शब्द लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अगर तुम होता तो क्रिया क्या हो जाती? तुम, क्योंकि मध्यम हो, तुम मध्यम पुरुष के कर्ता हो, तो तुम्हारे लिए मध्यम की क्रिया अलग बनी हुई है। तो आनय जो धातु है उसमें हम सी लगा देंगे तुम के लिए, तो यहाँ हो जाएगा आनयसी, ठीक है। लेकिन नहीं कि तुम दोनों गए थे, तुम दोनों दूध लाते हो, तो यहाँ तुम के साथ में दोनों, यानी ये संख्या में दो हो गए, तो क्रिया हमारी द्विवचन की लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आनयथ हो जाएगा। नहीं, अब तुम दो नहीं हो, तुम संख्या में तुम सब हो, तुम सब, तुम सभी, तुम लोग, यानी तुम एक नहीं है, तुम में बहुत सारे लोगों का भाव आ रहा है कि तुम सभी दूध लाते हो, तुम लोग दूध लाते हो, तो यहाँ पे हम कहेंगे तुम सब के साथ में जो क्रिया आएगी वो हो जाएगी मध्यम के बहुवचन की, तो हो जाएगा आनयत, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ना तो तुम लिखा है, यहाँ तो पिता लिखा हुआ है, तो हमें छह लोगों को याद रखना है, छह कर्ताओं को हर एक काल के लिए याद रखना है। ऐसा नहीं है कि लट लकार में ही मैं उत्तम और तुम मध्यम होते हैं, मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, ठीक है, जो कि हर काल में हो सकते हैं, लट में भी हो सकते हैं, लंग में भी हो सकते हैं, भूत में भी, लेकिन ये छह ही हैं, इन छह के लिए ही हर काल की मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रियाएँ बनी हुई हैं, ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं आती, बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रथम पुरुष की। तो यहाँ पे भाई अनाथ हमें छह लोग तो नहीं मिले, मैं नहीं लिखा है, हम दोनों नहीं लिखा है, हम सब नहीं लिखा है, तुम नहीं लिखा है, तुम दोनों नहीं लिखा है, तुम सब नहीं लिखा है, तो क्रिया जो हमारी आएगी वो कौन सी आएगी? प्रथम पुरुष की। अब संख्या पहचानी, हमने पुरुष पहचान लिया कि पिता जो है किस पुरुष का है, कहेंगे प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, साथ साथ में ये कितनी संख्या में है, कहेंगे एक संख्या में, तो ये एक वचन का हो गया, कर्ता कौन सा हो गया? एक वचन का। तो क्रिया में हम जो प्रत्यय लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? प्रथम पुरुष एक वचन का, तो ये हो जाएगा आनयति, ठीक है। तो हमारा जो शब्द बना वो क्या बना? हमारा वाक्य बना पिता दुग्धम आनयति, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि हमें सुंदर लग रहा था इसलिए हमने आन या तील बनाया, आनय धातु में ती क्यों आया? कर्ता को देख के, कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है क्रिया उसी पुरुष वचन की आती है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये हमारे होते हैं भाई अनुवाद, ऐसे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले क्रिया के पहले जितने शब्द हैं उन्हें पहचानना है कि वो कर्ता है, कर्म है, करण है या कौन है, उसके हिसाब से हम उनके शब्द रूपों को उठा के बना देते हैं संस्कृत में। फिर क्रिया पर आते हैं और क्रिया का फिर हम पहचानते हैं पहले काल कि वो किस समय पर काम हो रहा है। वर्तमान में हो रही है तो लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, भूतकाल की है तो लंग लकार के प्रत्यय लगाएंगे उस क्रिया में, भविष्य की है तो लिट लगाएंगे, ऐसे आज्ञा वाली बात हो रही है तो लोट लगाएंगे, और चाहिए अगर क्रिया में लगा है तो विधिलिंग लगाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे अब हम दूसरे वाक्य को ले लें, तो यहाँ लिखा है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तीनों खंड अलग कर लिए, तीनों चीज़ों को हमने विभाजित कर दिया। अब हमें सबको पहचानना है कि पढ़ते हो, पूछें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो कहेंगे तुम दोनों कर रहे हो। तो अब इनसे यहाँ पे हमें पता चला कि तुम दोनों कौन है, यहाँ पे कर्ता, पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाह रहे हो? संस्कृत को, संस्कृत हो गया कर्म, क्रिया हमारी किस लकार की है, साथ साथ में लिखते जाइए, टैग दे दीजिए सबको कि काम करने वाले कौन है यहाँ पे, तुम दोनों, हमारा किसको पढ़ना चाह रहे हैं? संस्कृत को, वो कर्म हो गया। क्रिया किस काल की हो रही है ये भी देख लीजिए, लट लकार की हो रही है, ठीक है। अब लट लकार की हो रही है क्योंकि हैं, हूँ, हो लिखा हुआ हो, समझ जाना कि ये हमारी वर्तमान काल की क्रिया है, लट लकार की प्रत्यय इसमें जुड़ने वाले हैं। तो अब हम परिवर्तित करना शुरू करें तो कर्तरी प्रथमा,
क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, तो तुम शब्द कहाँ पे मिलता है हमें? युष्मत शब्द से। अगर युष्मत शब्द याद ना रहे हैं तो तीन कर्ता याद रख लो, मध्यम पुरुष के केवल तीन कर्ता होते हैं, तुम दोनों, तुम सब। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, यानी ले दे के अगर यहाँ पे काम करने वाले तुम से जुड़े हुए हैं तो तीन ही लोग हैं। प्रथमा विभक्ति क्योंकि लगती है तो युष्मत शब्द के जब प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं तो क्या बनता है? एक वचन के लिए त्वम बनता है, यानी तुम। त्वम युवाम यूयम सब कह देते हैं ना कि त्वम यानी तुम, लेकिन तुम कहाँ से आया? तुम कर्ता से आया, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी थी तब त्वम बना। तो यहाँ पे कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी है तो यहाँ तुम दो हैं, तो हम प्रथमा का द्विवचन कहेंगे तो क्या बनता है? युवाम। और बहुवचन का क्या बनता है? यूयम। कहीं कहीं पे आपको युवाम ऐसे भी लिखता है, यानी अनुस्वार की जगह पे आपको माँ हलंत भी दिख जाएगा और कहीं पे यूयम ये भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें उस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि कहाँ माँ हलंत लगाएं कहाँ अनुस्वार लगाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि त्वम युवाम यूयम। ठीक है, वो हमारी वही जो होती ना, हमारी कौन सी संधि होती है? अनुनासिक होती है, है ना, और अनुस्वार वाली मूनुस्वार संधि होती है, उसके नियम के अनुसार कभी माँ हलंत हो जाता है कभी अनुस्वार हो जाता है, बात एक ही है, कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो अभी हम वहाँ पे ना पहुँच के हमें ये याद रखना है कि तुम कर्ता बन रहा होगा तो उसको त्वम कहेंगे, तुम दोनों कर्ता बन रहे होंगे तो उनको हम युवाम लिखेंगे, और तुम सब बन रहे होंगे तो हम युयम लिखेंगे। ठीक है ना, तो तुम दोनों लिखे हैं तो हमने कहा युवाम। ठीक है, युवाम पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाह रहे हो? संस्कृत को। तो संस्कृत को हम कर्मणि द्वितीया द्वितीया विभक्ति में बदलेंगे तो संस्कृत हो जाएगा संस्कृतम। ठीक है, अब पढ़ने की धातु को किससे कहते हैं? पठ से। किससे दर्शाते हैं? पठ से। तो ये कहेगा लट लकार में हम चले जाते हैं, अब क्रिया में हम पठ में कौन सा प्रत्यय जोड़े? तो इस ये पूछेगा कर्ता से कि भाई अपना पुरुष वचन बता दो। तो ये लिखा है तुम दोनों, यानी तुम मध्यम, और तुम मध्यम के संग में कौन हो? दो हो संख्या में, तो हमारी क्रिया के बाद में थह जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पठ थह। तो क्रिया हमें इस प्रकार लगानी है। चाहो तो एक काम करिएगा, जब भी अपना ये संस्कृत अनुवाद के लिए एक रफ पेपर पीछे रफ कार्य के लिए एक पेज बना लेना, वहाँ पे जाके फटाफट से इतना लिख लेना, ती तह अंति सी थ थ आमी आव आमा लट लकार की, लंग लकार की जोड़ लेना, त तामना अह तमता अम आव आम। ये जैसे ही टेबल बना के आप ख़त्म कर लोगे ना, आपके सामने अनुवाद करने की सारी चीज़ें आपके पास होंगी पहले से ही कि क्रिया में हमें क्या जोड़ना है। उस टाइम पे क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें हमें करने को रहती है तो दिमाग में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो, आपका गलत ना हो। ठीक है ना, तो ये टेबल फटाफट से लिख लेना वहाँ पे, है ना, तो आपकी क्रिया आप अपने बहुत सही तरह से जोड़ पाएंगे। चलिए आगे लिखा है रमेश कल पाटलिपुत्र जाएगा। ठीक है, तो हमारा आपको इतना समझ में आ गया कि हमने क्या बनाया? युवाम संस्कृतम पठथ। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अब कौन आ गए? कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा। ठीक है, अब जाने के सबसे पहले हम क्या करें, सबको अपने अपने लेवल पकड़ा दें कि तुम कौन हो आप, मतलब ये जो चार शब्द दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, इन चारों में ये चारों है कौन कौन, इनको अलग अपन कहते ना कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको दे दिया, उनके अपने अपने नाम से उनको बता दिया कि रमेश जाने का काम कौन कर रहा है। कहेंगे रमेश, तो रमेश हो गया कर्ता। पाटलिपुत्र जाने के द्वारा कहाँ जाना चाह रहा है? पाटलिपुत्र, तो वो हो गया उसका कर्म। जाना क्या हो गई? उसकी क्रिया। अब गागीगी ने बता दिया कि ये जो क्रिया बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है? भविष्यकाल की। कौन सी बनेगी? भविष्यकाल की। गागीगी हे हूँ हो लट लकार, गागीगी दिखे समझ जाना ये लट लकार की बात हो रही है। ठीक है भाई, इरेज हो जाना है ऐसे, हाँ ठीक है। अब ये हो गया लिट लकार की क्रिया। ठीक है, तो अब हमें इतनी तो पता चल गई। अब कल क्या है? कल ना तो कर्म है, ना कर्ता है, ना कुछ है, ये अव्यय है। अव्यय यानी कल चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, उनके लिए ये नहीं बदलने वाले, तो अव्यय शब्द में आता है कल। ठीक है, अब ये कौन सा कल है? बीता हुआ है या आने वाला? तो इसने कहा आने वाला, क्योंकि कल जाएगा, कल गया था नहीं, कल जाएगा। तो ये हमारा कौन सा कल है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुमारो। ठीक है, प्रेजेंट यानी टुडे, और टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो ये टुमारो वाला कल है। टुमारो वाले को कल को हम क्या कहते हैं?
संस्कृत में श्वः, क्या कहते हैं श्वः, तो इसके हमें कोई रूप परिवर्तित नहीं करना है, इसको जैसा का तैसा लिखना है, इसीलिए इनको अव्यय कहा जाता है क्योंकि इनका कोई रूप नहीं बदलता है। बाकी कर्ता के, कर्म के, हर एक संज्ञा शब्द के रूप बदलते हैं, सर्वनाम होते हैं उनके रूप बदलते हैं, सबके रूप बदलते हैं, लेकिन अव्ययों के नहीं बदलते हैं। अव्यय हमने इसीलिए सबसे पहले व्याकरण में आपको सिखाए थे। तो स्वह को हमने जैसा का तैसा लिख दिया अव्ययों में से, ठीक है। अब इसके बाद रमेश कर्ता हो रहा है तो कर्तरी प्रथमा, तो रमेश शब्द अकारांत है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में उसका रूप क्या बनेगा, रमेश, क्या बन जाएगा, रमेश, स्वह रमेश। अब जाने के द्वारा कहाँ जाना चाह रहा है, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को द्वितीया में बनाएंगे, कर्मणि द्वितीया, तो पाटलिपुत्र बन जाएगा पाटलिपुत्रम, क्योंकि अकारांत शब्द है, फल जैसे रूप बनेंगे तो हो जाएगा फलम, जैसे द्वितीया विभक्ति में बनता है फलम, तो पाटलिपुत्र हो गया पाटलिपुत्रम, ठीक है। ज़्यादातर कम से कम 95% के हम आपको जो रूप बता रहे हैं कर्म में बनाने के लिए, द्वितीया विभक्ति के लगाने, तो उसमें मा हलंत लग जाता है, मूल शब्द में मा हलंत लग जाता है, वो कर्म बन जाता है, ठीक है। कितने 95% बता रहे हैं, इतने सारे शब्दों में मा हलंत लगने से हमारा वो किस में परिवर्तित हो जाता है, द्वितीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल मा हलंत लगा दीजिए या अनुस्वार लगा दीजिए, आपका वो कर्म बन जाएगा। अभी भी देखा दुग्धम बना, दुग्धम बनाया हमने कर्म को, संस्कृत संस्कृतम बनाया, ठीक है, महालंत लगता जा रहा है। कैसा भी हो, अकारांत हो, आकारांत हो, उकारांत हो, इकारांत हो, रिकारांत हो, महालंत लग जाता है उसमें, तो पाटलिपुत्रम। अब आते हैं जाने की, अब धातु की बात आ गई, क्योंकि अब ये लट की नहीं हो गई, लिट की हो गई, तो ज़्यादा हमें कुछ परिवर्तन करना ही, लट और लिट एक जैसे होते हैं, तो इसको ही हमने लिट कर दिया तो कहेंगे बस इधर परिवर्तन, नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन ये कि लिट में जैसे आपको याद रखने के हिसाब से बताते हैं कि जैसे भविष्य में हम श्य होता है ना, तो क्रिया के पहले जो जी हमारी जो प्रत्यय लिखे हुए हैं ना, प्रत्यय लिखे हुए हैं इनमें, इनको लट लकार से इसको अगर हमें भविष्य में बदलना है तो सिर्फ इतना करना है, ती की जगह हमें श्य लगा देना है और हमें लिख देना है श्यति, फिर इसके बाद हमें लिख देना है श्यतः, और फिर हमें लिख देना है श्यन्ति। यानी लेदे की बात यह है कि श्य शब्द यहाँ यहाँ जोड़ दिया जाए और आगे क्रिया लगा दी जाए, ठीक है। श्यति श्यतः श्यन्ति श्यसि श्यतः श्यामी श्यावः श्यामः, तो ये बन गए हमारे पुरुष, वही रहेंगे प्रथम मध्यम और उत्तम, श्यति श्यतः श्यन्ति श्यसि श्यतः और श्यत। फिर हमने कहा श्यामी श्यावः और श्यामः, ठीक है, ले देखिए ये हमारी क्रियाएं बन गई हैं। अब हमने कहा कि देखें कि यहाँ पर, क्योंकि वही बात है कि हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के पुरुष, और वो तीन तीन वचनों में, तो नौ रूप बनते हैं हर एक काल में, तो उनमें से हमें कौन सा एक रूप उठाना है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जाने की क्रिया किससे बनती है, गम धातु से। अच्छा, गम धातु हुई, हमने जो इन क्रियाओं को बताया हुआ है, एक हमारी गम धातु हुई, एक ऐसे ही हमारी धातु पा बनती है, पा का अर्थ होता है पीना, ठीक है, एक ऐसे ही हमारी धातु स्था होती है, एक ऐसे ही हमारी धातु घ्रा होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो चार लकारों में अपने रूप बदल लेती है, घ्रा हो जाती है जिघ्र, गम हो जाती है गच्छ, पा हो जाती है पिब, ठीक है, शिव नहीं पिब, ठीक है, पेव भी होता है कहीं पे, पेव का भी बा भी होता है कहीं कहीं पे, वा का भी प्रयोग होता है, स्था हो जाती है हमारी तिष्ठ, ठीक है, और एक और हमारी धातु दृश्य, दृश्य धातु होती है, उसका रूप हो जाता है पश्य। अब किन चारों में, तो हमने बता दिया भविष्य को छोड़कर, भविष्य को छोड़कर जो चारों लकार बचते हैं, लट लंग लोट विधिलिंग, वर्तमान भूतकाल लोट लकार विधिलिंग लकार, इनमें ये अपने रूप बदलेंगे, लेकिन भविष्य काल में जो इनका मूल रूप है वो ही रहेगा और उसी में प्रत्यय जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा लिट लकार में घ्रा घ्रा रहेगी, घ्रा यानी सूंघना, गम यानी जाना, पा यानी पीना, स्था यानी ठहरना रुकना, दृश्य यानी देखना, ठीक है, ये अपने रूपों में ही रहेंगी। यानी कि अगर हमें भविष्य काल के रूप को जोड़ना है, भविष्य काल के प्रत्यय को जोड़ना है इन धातुओं में से, तो हमें क्या करना है, तो कि अब जाने की जो धातु हो रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जाने की बात हो रही थी, जाने को किससे दर्शाते हैं, गम और गच्छ धातु से,
तो लेकिन अगर ग्रिट की बात नहीं होती तो हम सारे प्रत्यय जैसे लट में होता तो हम गच्छति गच्छतः गच्छन्ति लगाते, लेकिन इसको लिट में बदलना है तो हमें गम को लेना पड़ेगा और हम इधर गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति बनाएंगे, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत बनाएंगे, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि गच्छष्यति गच्छष्यतः नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भविष्यकाल की बात है, जाने की बात आ जाए तो इसीलिए ऐसे दे दिए जाते हैं कि जिससे पता चले कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती है, कि आपको पता है कि गच्छति गच्छतः होता है तो गच्छिष्यति गच्छिष्यतः कर दें, नहीं करेंगे आप गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति करेंगे, घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति करेंगे, पास्यति पास्यतः करेंगे, स्थास्यति कहेंगे, और दृश्य हो जाती है द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति, दृ धातु जो होती है री होती है ना, ये र में परिवर्तित हो जाती है ये, और इस प्रकार से द्रक्ष्यति दृक्ष्यतः दृक्ष्यन्ति बनते हैं। हमने करवाए हैं आप लोगों को रूप, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, क्योंकि हमारी धातु जाने की हो रही है तो हम गम धातु का प्रयोग करेंगे, गम का प्रयोग करेंगे, अब इससे जोड़ेंगे कि यहाँ पे कर्ता कैसा है, उसके हिसाब से हम यहाँ से उठा लें तो रमेश कैसा है, ना मैं लिखा है, अहम आवाम वयम नहीं है, यानी मैं हम दोनों हम सब नहीं है, तुम दोनों तुम सब नहीं है, तो ले देखो कौन बचा, ये नाम है प्रथम पुरुष में चला गया, प्रथम पुरुष में चला गया, तो ये बताइए कितनी संख्या में है, एक या दो, तो प्रथम में उसने कहा संख्या में एक है, तो क्या लग जाना है यहाँ पे, कहेंगे हम ये जो गम धातु है, गम धातु में हमें स्यति लगा देना है, तो गमस्यति होना चाहिए, नहीं, हमारी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, अभी हम सिर्फ सरल तरीका याद रखने के हिसाब से बता रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से सेट और अनेट धातुएं होती हैं, उनमें ई का आगमन हो जाता है, तो लेकिन हम आपको अभी भाई ट्रांसलेशन के हिसाब से जो चीज़ें बता रहे हैं ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ देखना कि कौन सी है हमारी माँ, हलंत वाली धातु है, हलंत वाली धातु है तो उसमें ई लगा देना, ई यानी स्वर, आधा व्यंजन है इसलिए ई का आगमन हो गया और ई आ जाएगी तो हम स्यति लिख देंगे। ये हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे पा धातु है तो आप कहेंगे क्या सभी में स्यति लगने के पहले ई लगाएंगे, नहीं, पा में अपनी आप पहले मात्रा है तो इसमें हमें नहीं लगाएंगे, और सा भी शा में बदल जाता है, तो इसको ये याद रखना है जिन धातुओं में ई लगा रहे हों भविष्य काल में, क्योंकि भाई हमें छोटी छोटी सी भी गलतियां आपसे नहीं करवानी है कि हम आगे बता दें स्यति स्यता बोल दें और कह दें कि गमिष्यति बन गया, तो आपके मन में आएगा कि गम धातु हो रही थी तो गमी कैसे बना, ई कैसे आई उसमें, है ना, तो ये भी तो आपके मन में कहीं ना कहीं रह जाएगा ना संदेह, तो संदेह नहीं रहने देना है, तो गम धातु में स्यति स्यतः स्यन्ति लगाने के पहले ई जोड़ दिया गया। सेट धातुएं अनेट धातुएं होती हैं, सेट का मतलब होता है सा इट, यानी सा यानी सहित, ई ई इट की ई हो जाता है, इट का मतलब होता है ई का आगमन, तो किन्हीं धातुओं में ई का आगमन हो जाता है, तो जैसे हमने एक ऐसे सरल तरीका बताया कि यहाँ आधी है, आधा अक्षर है, इसीलिए आधे व्यंजन में तो स्वर जुड़ सकता है, लेकिन पा में अपनी आप मात्रा है, स्वर है, तो इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम केवल स्यति स्यतः स्यन्ति लगा देंगे, और जिसमें ई नहीं आती है उसमें सिंपल सा रहता है, जिसमें ई आती है उसमें ये वाला शा हो जाता है, षटकोण का शा हो जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखने की बात जैसे बता रहे हैं, जैसे याद रहे आपको बहुत उसमें ले जाएंगे हम सूत्रों के बीच में तो आप समस्या आ जाएगी आपको, ठीक है। स्था है तो हम कहेंगे स्थास्यति, कौन सा, ये वाला सा लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हस की बात होगी तो कहेंगे हसिष्यति, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्यति जोड़ दिया लेकिन गम धातु में जोड़ा, क्योंकि लट लकार की बात हो रही थी और माँ आधा था तो इसीलिए हमने उसमें ई लगा दी, समझ आ गया, इतना हो गया। तो ऐसे हमारा बना स्वः रमेशः पाटलिपुत्रं गमिष्यति। आगे कहा सुधा कहाँ थी, सुधा कहाँ थी, अब यहाँ पे काम तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सहायक क्रिया तो जुड़ी है, थी है हूँ हो, ये भी तो बता रही है, चलो देखेंगे इसको बाद में। तो यहाँ पे हमने कहा सुधा, अब क्योंकि नाम है, यहाँ पे नाम है तो हमने क्या कहा था कि कर्तरी प्रथमा या नामधेय मात्रम प्रथमा, यानी जहाँ पे नाम केवल बताना हो, किसी का नाम हो, संज्ञा हो, बताना हो, तब भी हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यानी केवल कर्ता के लिए ही प्रथमा विभक्ति नहीं होती है, जो प्रथमा की लाइन होती है, पहली लाइन होती है, वो किसी का नाम बताने के लिए भी होती है। तो सुधा हो गई यहाँ पे, सुधा
जैसी की तैसी। अब आपने कहा अरे लोग तो पाप ने तो कहा कि प्रथमा विभक्ति लगाओ, लेकिन आपने सुधाम को तो जैसा का तैसा लिख दिया, तो सुधा शब्द कैसा है भाई? आकारांत। इनको हटा दें जिससे कि ठीक है लिखे रहने दे रहे भाई, आएंगे काम में अपने इसलिए। ठीक है, सुधा शब्द आकारांत है, लता या बालिका की जो आकारांत शब्द याद करे होंगे वैसे ही बनेंगे इसके रूप। देखिए बालक के कर लिए तो जितने भी आकारांत, जैसे रमेश बन गया हमारा, सुरेश बन गया, महेश हो गया भाई, गज हो गया, अशु हो गया, कोई भी हो, आ से अंत होने वाला हमारा शब्द होगा वो बालक जैसा ही बनेगा। राम या बालक के जो भी आपने रूप आकारांत वाले किए उस जैसे, आकारांत के जो भी आपने याद किए होंगे लता के किए हैं या बालिका के किए हैं, तो जितने भी बड़े आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द होंगे उन सब के रूप लता जैसे बनेंगे या बालिका जैसे बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। तो हमें करना क्या है, सुधा में प्रथमा विभक्ति लगानी है, तो प्रथमा विभक्ति में लता का रूप क्या बनता है, लता एक वचन में, प्रथमा विभक्ति की बात बता रहे हैं, लते लता। ठीक है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में लता लता, माला माला, राधा राधा, शिक्षिका शिक्षिका, बालिका बालिका, विद्या विद्या, शिक्षा शिक्षा, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सुधा को प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुधा ही लिख दिया और काम खत्म। अब लिखा है कहाँ, कहाँ शब्द कैसा है, प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ से आया है, अव्यय से आया है, जिसका जिसको संस्कृत में कहते हैं कुत्र। कहाँ थी तो कहेंगे कुत्र, कहां से आई तो कुतः, कितने थे तो कति, कब गया कदा, कब के लिए कदा लगा दें। ठीक है, कब के लिए कदा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इन अव्ययों को याद रखना है हमें। ठीक है, कुत्र यानी कहां, कुतः यानी कहां से आया, कुतकति यानी कितने, कदा यानी कब। ठीक है, कैसे, कैसे या किस प्रकार से, तो कथम, कथम यानी कैसे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो, इस प्रकार से आपको याद रखनी है इन चीजों को। तो हमने कहा कहां को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्र। ठीक है, अब थी अकेला, अब ये थी आ गया जिसके पहले कोई मूल क्रिया नहीं है हमारे पास, नहीं है क्रिया, केवल अब अकेले जैसे लिखा हुआ हो, यह वृक्ष है, यह वृक्ष है। ठीक है, ये दो वृक्ष हैं, ये चार वृक्ष हैं, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं। अब अकेले यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हुई हो रही है, लेकिन है लिखा हुआ है, तुम हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम छात्र हो, तुम कोई भी हो, तो हो लिखा है, क्रिया नहीं हो रही है, केवल हो शब्द जो है, मैं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, हूँ लिखा हुआ है, तो है हूँ हो लिखा हुआ हो, था थी थे लिखा हुआ हो, यह लड़का था, ये लड़की थी, ये लड़के थे, था थी थे, क्रिया नहीं, क्रिया नहीं है, संज्ञा के साथ में था थी थे लगा हुआ है। ठीक है, यह होगा, यह बालक होगा, यह बालिका होगी, या जो भी भाई होगा होगी लिखा हुआ हो, लेकिन काम कुछ नहीं लिखा हो, तब हम उनको कैसे संस्कृत में परिवर्तित करें, उनको करते हैं हम अस धातु के रूपों से। अस का अर्थ होता है होना, जो होना हिंदी में वर्तमान काल में है, हूँ, हो से दर्शाया दिखा दिया जाता है। ठीक है, और भूतकाल में था थी थे से दर्शा दिया जाता है। तो अब हमें अस धातु के भूतकाल में जाना है, क्योंकि यहाँ पे थी लिखा हुआ है, तो था थी थे कहाँ से बनते हैं, अस धातु के भूतकाल से। भूतकाल के प्रत्यय क्या होते हैं, तो भूतकाल के प्रत्यय होते हैं हमारे, वही देखिए हमने ये लटका लटके लिखे हुए हैं, ये हमने लिटके लिख दिए आप लोगों को, और यहाँ हम आपको लंग लकार के लिख देते हैं। तो लंग लकार में प्रथम पुरुष, वही मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, हमारे जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए जो क्रियाओं में प्रत्यय जोड़े जाते हैं भूतकाल में, वो होते हैं त, ताम, न, फिर हो जाता है अह, तम, त, फिर यहाँ पे अंत में जोड़ दिया जाता है अम, आव और आम, अम आव आम। ठीक है, ये होते हैं भूतकाल के लिए देखिए प्रत्यय। और भूतकाल की एक और विशेषता क्या होती है, कि जो मूल धातु है, जैसे अस धातु हो रही है ना, तो यहाँ पे अस हो गया, अस लिख दिया, फिर इसके बाद
क्या मूल धातु के पहले यानी धातु के पहले आ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है भूतकाल में? पठत अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे पठ धातु लिखी है, तो वो ऐसे बनेगी अपठत। अ तो सब में लगना है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठह, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाव, ठीक है ना। तो सभी में अ लग जाता है भूतकाल बनाने के लिए। तो यहाँ पे अस धातु थी, अस यानी होना, ठीक है। था थी कहाँ से मिलेगा? अस धातु से, केक अकेला था थी अस धातु से मिलेगा। इसमें अ उपसर्ग भूतकाल वाला जोड़ा तो ये क्या हो गया, आ, बड़ा आ बन गया, तो अ की जगह हो गया आ, ई का आगमन हो गया तो हो गया सी और त। तो इस प्रकार से ये हमारा था थी थे किससे बनता है, आसीत से। लड़का था तो बालकः आसीत, लड़की थी बालिका आसीत, सुधा थी तो सुधा आसीत। अब दो थे, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है हमारा आस्ताम। बहुत सारे थे, बहुत लड़के थे, लड़कियां थी तो हो जाएंगे आसन। लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की के लिए आसीत आया है तो लड़के के लिए कुछ और आएगा, नहीं, लड़का लड़की एक समान, कोई बात नहीं। क्रिया के लिए लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मित्र था तो मित्रम आसीत, लड़का था बालकः आसीत, लड़की थी बालिका आसीत, ठीक है। तो था थी थे याद रखिएगा कहाँ से बनता है, अस धातु से बनता है, तो ये आसीत हो गया। था लिखा हुआ हो, थी लिखा हुआ हो, बात एक ही है, आसीत से बनेगा था, ठीक है। सुधा कुत्र आसीत, सुधा कहाँ थी, ठीक है। लड़का होता तो हम कहते रामः कुत्र आसीत, राम कहाँ था। अब हम कहें घोड़ा कहाँ था, अश्वः कुत्र आसीत, तो जरूरी नहीं है कि घोड़ा हाथी बादल पानी के लिए कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसको तो कर्ता के हिसाब से चलना है। तुम नहीं लिखा है, मैं नहीं लिखा है, तो प्रथम पुरुष वाला आसीत लगाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया, अब आगे चलिए। लिखा है तुम सब कक्षा में पढ़ो, सभी को टैग दे देते हैं, क्या दे देते हैं, तुम सब, लेबल लगा दो। तुम सब कौन है, कर्ता, क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं, तुम सब। कक्षा में, कक्षा के साथ में कौन सा चिन्ह जुड़ा है कारकों का, मैं कहाँ जुड़ता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के और अधिकरण में पर, तो ये अधिकरण कारक बन गया हमारा, अधिकरण कारक बन गया। पढ़ने की क्रिया कह रहा है पढ़ो, और ना तो हमें यहाँ पे है दिख रहा है, ना हूँ दिख रहा है, ना हो दिख रहा है। हा से जुड़ा हुआ कोई लगा हुआ है, सहायक क्रिया नहीं लगी है। था थी थे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है। गागी के जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो क्या है, पढ़ो। तुम सब कक्षा में पढ़ो, तुम सब क्लास में पढ़ो, तो ये क्या होगी, आज्ञा या अनुज्ञा। अगर भाई कोई बड़ा दे रहा होगा तो कहेगा तुम सब कक्षा में पढ़ो, चलो तुम सब कक्षा में पढ़ो, तो ये आज्ञा हो गई, तुम सब कक्षा में पढ़ो, तो ये अनुज्ञा हो गई, है ना, कहने का तरीका। कभी हम डांट के भी कहते हैं, कभी प्यार से भी कहते हैं, ठीक है, यानी किसी को आदेश किस प्रकार से दिया जाता है उसके तरीके अलग अलग होते हैं। तो वही बात याद रखना कि आदेश यानी आज्ञा दी जा रही हो या अनुज्ञा की जा रही हो, यानी किसी से अपना निवेदन भी हमारा जब होता है ना कि चलो चले बाजार चले, तो बाजार चले, अभी गुस्से में भी कह दिया, बाजार चले प्रेम से भी कह दिया, तो आज्ञा हो गई, अनुज्ञा हो गई, दोनों बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे जब ऐसी परिस्थिति में ऐसी हमारी कोई क्रिया आए तो उसको आप बनाना लोट लकार में, किस में बनाएंगे उसको आप, लोट लकार में बनाएंगे। लोट लकार में जब आप बनाएंगे इस क्रिया को, तो लोट लकार के जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं, लंग लकार जैसे ही होते हैं, बिल्कुल भूतकाल जैसे होते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, यहाँ लिख दें, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लोट लकार के, तो ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, त ताम न, ये भूतकाल के लिख रहे हैं, इसी में परिवर्तन करके इनको लोट में बना देंगे। जैसे अपन ने लट से भविष्यकाल बनाया, ऐसे ही लोट अभी हम लंग लकार से आपको लोट में परिवर्तित करना बता देंगे, मध्यम पुरुष और उत्तम। त ताम न अह तम, त ये ता पूरा रहता है, ये ता आधा होता है, अम आ आम, ठीक है, अब चलते हैं। तो बस कितना परिवर्तन करना है, ये लंग लकार के प्रत्यय थे ये वाले, इनको किस में बदलना है, लोट में बदलना है। लोट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनमें इतना परिवर्तन तो करेंगे कि इतना आधा था लोट का
हम ऐसा करेंगे, यहाँ से ऊ दे देंगे उसको, तो तू ताम, और इस आधे ना में भी हम तू जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अंतु, तू ताम अंतु। अब अहतमता था तो यहाँ का सिर्फ विसर्ग हटा देंगे, तो हो जाएगा अतमता, और अम आव आम कहेंगे। अब अच्छा, अम आव आम यहाँ पे बस अम की जगह हो जाता है आनी, तो परिवर्तन सिर्फ इतना होना है, यहाँ तू, यहाँ अंतु, यहाँ का विसर्ग गायब, और यहाँ हो जाना है आनी, आनी आव आम। अहम पठानी, यानी मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ, तो ये अनुज्ञा हो गई, ठीक है, तो ये आनी हो गया, समझ गए। तो ये हमने लंग से लोट में परिवर्तन कर दिया और कुछ नहीं किया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आप अपनी परीक्षा देने जाएं, पहले रफ कार्य में सबसे पहले जाके क्रियाएं लिख लेना अपने बिल्कुल शुद्ध मन में, जब बिल्कुल कुछ कब पेपर भी ना पढ़ा हो तो सबसे पहले आप तो जाके है ना क्रियाएं लिख लेना, लटकी लिख लेना उसी के जैसे फटाफट लिटकी बना लेना, लंग की लिख लेना तो उसी से जाके फटाफट लोट की बना लेना, और विधिलिंग की बना लेना, क्योंकि लंग जैसे ही हमने आपको सिखाई है विधिलिंग की भी लकार की हमारी क्रियाएं बनती हैं, बिल्कुल समान होती हैं, लंग जैसी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ना के बराबर। तो ये बन गया, लोट बन गया, अब परिवर्तन करना शुरू करें। कर्ता कौन हो गए? तुम सब, तो तुम बहुवचन वाले, तो त्वम एक नहीं है, युवाम दो नहीं है, तुम सब हो, तो प्रथमा विभक्ति का हमने बहुवचन वाला रूप लिया, तो त्वम युवाम यूयम, तो ये बन गया यूयम। कक्षा शब्द में मैं लगा है यानी अधिकरण कारक, अधिकरणे सप्तमी, यानी कक्षा में हमें सप्तमी लगानी है, तो कक्षा कैसा शब्द है हमारा, अकारांत है या आकारांत है? आकारांत, बढ़िया की मात्रा, कैसे रूप बनेंगे, बालक जैसे या बालिका जैसे? बालिका जैसे, क्योंकि आकारांत है, तो बालिका में सप्तमी विभक्ति बनती है, तो वो क्या बनती है? बालिका यम, मैं का अर्थ जोड़ने के लिए बालिका बनती है बालिका यम, सप्तमी के एक वचन में, कक्षा एक ही है ना, तो एक वचन वाला रूप लिया कक्षा यम, तो जैसे बालिका बना बालिका यम, तो कक्षा हो जाएगा कक्षा यम, यू यम कक्षा यम, तुम सब कक्षा में, हो गया। अब पढ़ने को कहते हैं पठ, अब लेकिन हमें अंत का प्रत्यय कैसे लगाना है वो हम इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे कि वर्त बताओ आप, कि पहले तो हमने इसका काल पहचाना, हमने कहा लोट लकार का है, पुरुष वचन पहचाने, तो तुमने कह दिया मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम, तुम वो भी कैसे हैं, बहुवचन के हैं, तो बहुवचन वाला ता लगा देंगे, पूरा वाला ता लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पठत, यूयम कक्षायाम पठत, और आपका ये बन जाएगा लोट लकार में वाक्य, ठीक है, पठत नहीं आएगा, पठत आएगा, थ नहीं आएगा, क्योंकि सी थ थ ये लट लकार की बात होती है, कहाँ की होती है, लट लकार की बात होती है, यहाँ वर्तमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पढ़ो की बात हो रही है, पढ़ रहे हो लिख रहा हो लिखा हुआ होता, या पढ़ते हो लिखा हुआ होता, तब हम कहते तुम सब कक्षा में पढ़ते हो, तुम सब कक्षा में पढ़ रहे हो, जब है हूँ हो होता तो हम था की बात करते और लट लकार करते, लेकिन अभी कहा है पढ़ो, तो यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग करके हमने मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, और ये बन गया यूयम कक्षायाम पठत, तुम कक्षा में पढ़ो, ठीक है, तुम सब कक्षा में पढ़ो, तो इस तरह से ये हमारे वाक्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, कुत्ता बाघ से डरता है, कुत्ता बाघ से डरता है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हम देखते हैं भाई डरने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, कुत्ता करता बन गया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुक्कुरह, आधा का और जुड़ जाएगा कुक्कुरह, ठीक है, तो ये बन जाएगा श्वान भी कहते हैं, श्वान भी कहते हैं, कर्तरी प्रथमा श्वान, ठीक है, अब बाघ से, बाघ से, अब बाघ में से लिखा है, बाघ को क्या कहते हैं, व्याघ्र, क्या कहते हैं, व्याघ्र, व्याघ्र हमने पढ़ा है ना, किसमें, वो अपना दूसरा पाठ है जिसमें वो व्याघ्र को देखकर वो बुद्धिमती की कहानी होती, तो व्याघ्र बाघ के लिए आया है कि नहीं आया है, अब अच्छा नाम है उसका हमें याद नहीं आ रहा है, पाठ का दिमाग से निकल गया अनुवाद के उसमें, ठीक है ना, अभी अब सोच के सोच याद आएगा तो बताते हैं दूसरा पाठ जो भी है, तो बाघ में लगा है से, तो व्याघ्र को से देना है,
से क्या हिंदी का से लगा के लिख दे? नहीं नहीं, अब हमें क्या करना है इसको भाई, से से बनना है तो से दो जगह आता है, एक तो आता है किस चिन्ह में, किस कारक का चिन्ह होता है, करण कारक का, कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो करण का चिन्ह होता है से, यानी या तो हम बाघ को करण कारक मान के इसमें तृतीया विभक्ति लगा दें, या फिर एक आता है अपादान से, अपादान का भी चिन्ह से होता है, अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है, तो इस हिसाब से या फिर हम इसको अपादान मान के अपादाने पंचमी, तो इसमें हम या तो पंचमी विभक्ति लगा दें, तो हम दो तरह से रूप बना सकते हैं, या तो हम व्याघ्र को व्याघ्रीन लिख दें या फिर हम इसको व्याघ्रात लिख दें पंचमी विभक्ति युक्त, क्योंकि इसके हम बालक जैसे रूप बनाएंगे क्योंकि अकारांत शब्द है। तो अब हम देखें कि इसमें हम क्या लगाएं, तो तृतीया लगाएं या पंचमी, तो इसके लिए हमें सूत्र हमने आपको याद करवाया था कि भीत्रार्थे पंचमी, क्या करवाया था हमने, भीत्रार्थे पंचमी, यानी भी का अर्थ होता है डरना, डरना, त्रा यानी बचाने में, डरने में जिससे डरा जा रहा हो उसको पंचमी बनाना, जिससे बचाया जा रहा हो उससे उसमें भी पंचमी लगाते हैं, जैसे सैनिक चोरों से बचाता है, या जो आरक्षी होता है या रक्षक होता है वो हमें चोरों से बचाता है या किसी से भी बचाता है, तो जिससे बचाता है उस शब्द में पंचमी आएगी, जिससे डर लग रहा है उसमें पंचमी, भीत्रार्थे पंचमी। तो यहाँ पे किससे डर लग रहा है, कुत्ता किससे डर रहा है, व्याघ्र से, तो कुत्ता कौन हो गया, कर्ता हो गया क्योंकि वो डरने का काम, लेकिन किससे डर रहा है, व्याघ्र से, तो भीत्रार्थे पंचमी के हिसाब से इस बाघ में हम पंचमी लगाएंगे तो हमारा रूप बनेगा व्याघ्रात, क्या बन जाएगा, व्याघ्रात। तो अब हमें स्पष्ट हो गया, इसीलिए हमने आपको ये कारक समझाए हैं, कारक उपपद विभक्तियां हमने समझाई हैं, तो कहेंगे हम कुकुर व्याघ्रात, अब भी डरने की धातु किससे बनती है, भी, और उसके जब रूप बनाए जाते हैं, जब धातु रूप बनाए जाते हैं तो उसमें वी उपसर्ग लग जाता है, और जब अगर लट लकार की बात हो रही हो तो ये हमारा वी के ई की मात्रा अपने गुण में परिवर्तित होकर हो जाती है भे, भी की जगह हो जाती है भे, तो ये हो जाएगा विभे। और अब इसमें हम ती तह अंति जोड़ेंगे, ती लगाएं, तह लगाएं, अंति लगाएं, तो इससे पूछेंगे बताओ कि क्या लगा दें, तो कुत्ता से पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, मध्यम पुरुष के कर्ता हो या उत्तम के, तो वो ना मैं उत्तम, ना मैं लिखा है, ना तुम लिखा है, छोड़ो प्रथम पुरुष की बात आ रही है, एक है, तो ती लगा देंगे तो विभेति हमारी क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कुकुरह व्याघ्रात विभेति, ठीक है, तहलंत आएगा। अब लिखा है क्या मैं बाहर जाऊं, तो क्या लिखा है, क्या और कौन किससे बनते हैं, क्या को संस्कृत में या कौन को संस्कृत में कहा जाता है किम, क्या कहा जाता है, किम कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप कहेंगे किम के तो शब्द रूप का आपने बताए हैं, हाँ होते हैं, जब इन क्या और कौन में विभक्तियां लगना शुरू हो जाती हैं, किसने, किसको, किसके लिए, किसके द्वारा, किससे, किस में, किस पर, किसका, किसकी, जब उसमें कारकों के चिन्ह जुड़ जाते हैं इन कौन और क्या में, तब हम उनके रूपों को याद रखते हैं, लेकिन सिंपल क्या और कौन लिखा हुआ हो तो उसको किम से बनाना है हमें अनुवाद में, ठीक है। अच्छा, अगर कहाँ लिखा हुआ हो तो उसको हमें कुत्र से दर्शाना है, कब लिखा हुआ हो तो कदा से लगाना हो, कितने लिखा हुआ हो तो कति से लिखना है, तो ये ना हमें याद रखना है। तो क्या सिंपल लिखा हुआ है, क्या के साथ में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ा है, तो किम को हम सीधा किम लिख दिया। अब जाऊं, जाने की क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, तो ये कौन हो गया हमारा, कर्ता। बाहर शब्द कैसा है, अंदर बाहर आगे पीछे चारों तरफ दोनों तरफ सब तरफ सब ओर सब जगह, कल परसों आज अभी, ये सारे शब्द कैसे थे, और न मैं हाँ, ये सभी कैसे बनते हैं, अव्यय होते हैं, इनके जो रूप हैं हमेशा कभी कभी हम और कहें हर समय, तो ये जो होते हैं हर दिन प्रतिदिन जिसको दर्शाते हैं, तो ये हमारे अव्यय होते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे बाहर को क्या कहते हैं, बही, अंदर अंतः, ठीक है। अब ऐसे ही देखें, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे,
ठीक है, इनका काल से, वचन से, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। बाहर, अब बाहर शब्द कह दिया तो बाहर लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर बाहर रहेगा, सदैव सदैव रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा, प्रातः प्रातः रहेगा, सायं सायं रहेगी, रात्रि रात्रि रहेगी। ठीक है, नहीं रात्रि के तो रूप बनते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कहा कल, स्वह आने वाले कल को सुहा कहेंगे, अद्य को आज कहेंगे, यह बीते हुए कल को कहेंगे, इनके रूप नहीं बदलेंगे। ठीक है ना, तो बाहर को बही ही कहा जाता है, तो हमने अव्यय को जैसा का तैसा लिख दिया, किम को जैसा का तैसा लिख दिया। अब आए मैं की बारी, तो मैं को अब हम प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे। तो मैं के शब्द रूप कहाँ मिलते हैं? अस्मद से। अहम के रूप नहीं होते हैं, अस्मद के रूप होते हैं। अस्मद का अर्थ होता है मैं, क्योंकि कर्तरी प्रथमा है, तो प्रथमा विभक्ति में इसके रूप बनते हैं अहम आवाम वयम। क्या बनते हैं? अहम आवाम वयम। वचन के अनुसार बदल गए, यानी मैं अकेला एक है तो हम कहेंगे अहम। क्या कहेंगे? मैं या मैंने। ध्यान कीजिएगा, मैं लिखा हुआ हो या मैंने लिखा हुआ हो, क्योंकि कर्ता का चिन्ह ने भी होता है, तो चाहे मैं लिखा हुआ हो या मैंने, हम क्या लिखेंगे? अहम लिखेंगे। इसके बाद हमने लिखा कि आवाम लिखा हुआ है, हम दोनों लिखा है या हम दोनों ने लिखा हुआ है, तो आवाम लिखेंगे। हम सब लिखा है या हम लिखा है या हम लोग लिखा हुआ है, तो हम वयम लिखेंगे। अहम आवाम वयम, ध्यान कीजिएगा। ठीक है ना, तो कर्ता के अहम आवाम वयम कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हुए हैं, जो हम कहते हैं हम दोनों को आवाम कहा जाता है, हम सबको वयम कहा जाता है। कहाँ से आए? अस्मद की प्रथमा विभक्ति के रूप से आए हैं। ठीक है, तो हमने कहा अहम, मैं, क्योंकि एक वचन था। जाऊं, जाने की क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया गम से होती है, रूप गच्छ भी बन जाते हैं। लकार के हिसाब से देखेंगे कौन सा लकार है कि गम की क्रिया लें या गच्छ करें उसको, तो यहाँ हम पहचानेंगे लकार को कि कौन सा लकार हो रहा है यहाँ पे, यानी कौन से काल की बात हो रही है। तो ना तो है हूँ हूँ लिखा है, वर्तमान की बात नहीं, थाती थे नहीं है, गागी के लगा है नहीं लिखा है, तो भाई तीन लकार तो है नहीं। अब चाहिए लगा है तो विधिलिंग नहीं है, तो यहाँ मैं बाहर जाऊँ या तो आज्ञा है या अनुज्ञा है, ठीक है, पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे? लोट लकार। अब लोट लकार की क्रिया लगाएंगे, अर्थात रूप गच्छ के जैसे बनेंगे, गम जैसे नहीं बनेंगे। गागी के लगा हुआ होता तब गम बनाते, तो गच्छ के लिए हम कहेंगे मैं से पूछेंगे, भाई पुरुष वचन बताओ अपना कि पीछे गच्छ में हम बाद में कौन सा प्रत्यय लगाएं, तो मैं कहेगा मैं उत्तम, और एक वचन है तो आनी हो जाएगा, ये हो जाएगा गच्छानी, लग जाएगा गच्छानी। किम अहम बही गच्छानी, क्या मैं बाहर जाऊँ, लीजिए हो गए इस प्रकार से आपके लोट लकार के ये वाक्य। अब चलते हैं हम अपने अगले सेट के ओर, जिसमें कि 2020 से ही शुरू हुए हैं, तो दूसरे सेट में कैसे हमारे संस्कृत अनुवाद आए थे तो उनको देख लेते हैं। लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा में अनुलिखत। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब, जो जैसा कि हम सारी क्रियाओं को आपको बता चुके हैं, कारकों को पहचानना बता चुके हैं, तो अब हम सीधा आपको बताते जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। अब हमने कहा गोपाल गीत गाता है, ठीक है, थोड़ा सा मन में भी तो उन चीज़ों को आप सोचना शुरू करें, देख देख के तो लगा ही ली है गोपाल। अब यहाँ से पहचानिए कि कौन कौन क्या है, गाने का काम कौन कर रहा है? गोपाल। तो गोपाल कौन हो गया? कर्ता। गाने के द्वारा क्या गाया जा रहा है? गीत। तो ये क्या हो गया? कर्म। ये कौन हो गई? क्रिया। किस काल की है? गाता है। किस काल की है ये बताइए? है हूँ हूँ लिखा है, यानी लट लकार की है। समझ में आ गया? गोपाल करता है, तो कर्तरी प्रथमा, तो प्रथमा का एक वचन क्या बनेगा? गोपाल बनेगा, गोपाल बालक जैसा। गीत को गीतम हो गया। अब गाने की धातु को गई धातु होती है, ठीक है, मूल धातु क्या होती है? गई। जैसे मूल धातु नी होती है, उसका रूप कैसे बनते हैं? नयति। ऐसे ही जो गए जो धातु होती है, उसका जब उनके जब उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं किसी लकार के, तो उसका गाय गाय कर देते हैं, गई धातु गाय में परिवर्तित हो जाती है, और उसमें फिर हम तीतह अंति लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने मूल रूप अपनी गाने की निकाली कि गाने को क्या कहा जाता है? गाय कहा जाता है। ऐसे याद रहेगा कि गाने को गाय। अब इसमें लट लकार के प्रत्यय लगाएंगे, तो गोपाल कैसा है हमारा? कर्ता पहचानिए, क्योंकि इसमें अब हमें तीतह अंति सीथ थ आमी आव आम हम ऐसे कुछ ना कुछ लगाना है। तो अब हम गोपाल का पुरुष वचन पहचानेंगे कि गोपाल किस पुरुष का है? ना मैं है ना तुम है,
कौन सा है? प्रथम। प्रथम का कौन सा है? एकवचन। तो क्रियाओं को जरा अपने मन में याद रखने की कोशिश कीजिए। प्रथम पुरुष में लट लकार में क्या प्रत्यय जोड़े जाते हैं? ति, तह, अंति। ति एक के लिए, तह दो के लिए, अंति बहुत सारे के लिए। तो गोपाल कैसा है? एक है, तो गाय में हम लगा देंगे गायति। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख के अब अपने अनुवाद करेंगे। ठीक है, अब कहा हम सब सिनेमा देखते हैं, अलग अलग कर लिया इनको। हम सब कहाँ पे पहुंच गया? कर्ता। पहले हमने कहा कर्ता देखने के द्वारा क्या देख रहे हो? सिनेमा देख रहे हो। सिनेमा आपका कर्म हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई। है हू ने बताया कि लट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, क्रिया के जो क्रिया में प्रत्यय लगाएंगे वो तीतः अंति लगाएंगे। ठीक है, हम सब को पहचानिए, मैं, हम दोनों, हम सब। रूप क्या बनते हैं? अहम, आवाम, वयम। तो प्रथम पुरुष में कर्ता बन गया वयम। ठीक है, सिनेमा को क्या कहते हैं? चलचित्र, क्योंकि उसमें चित्र चलायमान रहते हैं, इसीलिए उसको चलचित्र कहते हैं। कर्म बदलो, चलचित्रम हो गया। अब देखने की धातु को कैसे दर्शाया जाता है? देखने को क्या कहते हैं? दृश धातु। लेकिन दृश धातु का अर्थ होता है देना, लेकिन बाकी चार लकारों में किसको छोड़ के? भविष्य काल को छोड़ करके बाकी सब में ये अपना रूप पश्य बना लेते। क्या बना लेते हैं? पश्य। तो ये लिट की तो बात हो नहीं रही है, भविष्य काल की बात नहीं हो रही, गागी की का बात नहीं हो रही है, तो हम पश्य में ही क्या लगाएंगे? तीतः अंति सीतः थ लगाएंगे, आमी आवा आमह लगाएंगे। तो पश्य धातु क्या रूप बनाएगी? इससे पूछेगी बताओ कौन हो आप, पुरुष वचन बताओ। तो ये कहेगा हम। हम से ध्यान रखो, मैं, हम दोनों, हम सब, यानी मैं उत्तम। तो यहाँ क्रिया कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष की, एक वचन की, द्वि की, या बहुवचन की? बहुवचन की, क्योंकि मैं अकेला नहीं है, हम दोनों नहीं हैं, मैं, बहुत सारे लोग हैं, हम, मेरे साथ में और भी लोग हैं, तो हम सब हो गए। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया में लट लकार में क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है? तो प्रथम से टेबल याद करो, तीतः अंति नहीं लगाएंगे, सीतः थ नहीं लगाएंगे, आमी नहीं लगाएंगे, आवह नहीं लगाएंगे, आमह लगा देंगे। तो पश हम धातु में लग जाएगा आमह और हो जाएगा पश्यामह। वयम चलचित्रम पश्यामह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रमा कल कोलकाता जाएगी, रमा कल कोलकाता जाएगी। अब ये भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से हमने, क्योंकि जाने की बात हो रही ना, इसीलिए हमने लिट लकार इसको पहले ही लिख दिया। ये जाने की बात हो रही है, लिट लकार में है, तो इसके रूप गम जैसे बनेंगे। थोड़ा सा हम पहले से ही अपनी रूपरेखा तैयार कर ली कि गागी है और जाने की बात है, तो गम धातु गम रहेगी, गच्छ नहीं बदलेगी। ठीक है ना, जाने का काम कौन कर रही है? रमा, तो रमा हो गई कर्ता। कल क्या है? अव्यय है, तो जैसा का तैसा लिख जाएगा। जाने के द्वारा कहाँ जा रही है? कोलकाता। तो ये हो गया उसका कर्म, कर्म हो गया। ठीक है, और हम जाने की क्रिया को बदलेंगे, तो कर्तरी प्रथमा, रमा में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाया, कोई परिवर्तन नहीं, रमा रमा, राधा राधा राधा। ठीक है, लता लता, आकारांत रूप है, बालिका जैसे बनेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वाला कल कौन सा है? भविष्य काल वाला, जिसको स्वह से दर्शाएंगे, रमा स्वह। अब कहाँ जाएगी? कोलकाता, कर्म है, तो कोलकाताम लिख दे या फिर कोलकाता नगरम लिख दे। ठीक है, नगर भी शब्द जोड़ सकते हैं, घर समझ में नहीं आए, कोई नगर ऐसा आ जाए जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कर्म कैसे बनाए, तो उस नगर के साथ में, उस स्थान के साथ में नगर जोड़ के उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देना। तो कोलकाता नगरम, जाने को गम से दर्शाएंगे, और अब रमा कैसी है? पुरुष वचन पहचानेंगे, क्योंकि हमें गम धातु में अंत में प्रत्यय लगाना है। तो हम देखेंगे रमा कौन है? उत्तम है? नहीं। मध्यम है? नहीं है। बाकी सब प्रथम, प्रथम पुरुष की करता है रमा। ठीक है, प्रथम पुरुष में वचन कितने हैं, संख्या कितनी है? एक है, तो ले दे के हमारा क्या आ जाता है, जहाँ से शुरुआत होती है ती से, तो वही एक वचन की ती हम लगा देंगे, श्या भविष्य काल जैसा लगाएंगे और ती लगा देंगे, रूप हमारा बनेगा गमिष्यति। ठीक है, याद रखना कि हमें गम धातु में ई का आगमन करना है, गमिष्यति न बना के गमिष्यति, गमिष्यतः गमिष्यन्ति बनता है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति बनता है, लिखिष्यति लिखिष्यता लिखिष्यन्ति बनता है, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति बनता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा रूप बन गया गमिष्यति। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा कल श्याम कहाँ था, अब श्याम काम नहीं कर रहा है, लेकिन नाम तो है, प्रथमा विभक्ति में बनेगा। ठीक है, क्योंकि संज्ञा है। कल अव्यय है, जो था थे भूतकाल वाला,
यानी पास्ट वाला, यस्टरडे की। यस्टरडे को क्या कहते हैं? ह्यः। इस यस्टरडे को क्या कहते हैं? ह्यः। टुमारो को क्या कहते हैं? श्वः, आने वाला कल। ठीक है, ह्यः जैसा का तैसा। कहाँ, किससे बनता है? कुत्र से। ये भी अव्यय है, लिख दिया। श्याम को प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे एक वचन में। श्याम कैसे बनेगा? कारांत शब्द है, बालक जैसा। श्याम था थी थे आसीत से। ह्यः श्याम कुत्र आसीत। कोई दिक्कत है? नहीं, बस बात यह है कि अगर हमने थोड़ा सा समझ के किया है काम, थोड़ा सा अभ्यास किया है, तो ये बड़ी सरल हो जाती हैं चीज़ें, कठिन नहीं लगती हैं। फिर से लिखो, तुम सब कलम से लिखो। अब यहाँ तीनों को अलग अलग कर दिया। तुम सब कर्ता हो गए, तो त्वम युवाम यूयम, क्योंकि तुम एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो त्वम युवाम यूयम, यूयम बन गए प्रथमा विभक्ति में युष्मद के। ठीक है, कलम से, कलम में सी लगा है, कलम क्या बन रही है यहाँ पे? सहायक बन रही है। तो साधक तमम करणम, यानी जो साधक बनता है, लिखने में सहायक बनता है, या क्रिया में जो सहायक होता है उसको साधक कहते हैं। मतलब साधन बना जिससे कि वो काम हुआ, तो साधक तमम करणम करणी तृतीया, यानी साधक में को करण कारक कहते हैं, कर्ण में तृतीया लगा देते हैं। तो कलम शब्द में फल जैसे या बालक जैसे रूप बनाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि फल और बालक के क्या एक जैसे होते हैं, तो प्रथमा द्वितीया को छोड़ दो, बाकी के तृतीया से सप्तमी तक दोनों के एक ही जैसे रूप होते हैं। तो जैसे बालक बनता है बालकिन, तो फल भी बनता है फलिन, तो कलम भी बन जाएगा कलमेन। यूयम कलमेन, क्योंकि कलम एक है तो कलमेन लिखा, दो कलम होती, दो कलमों से लिखते हैं तो कलमाभ्याम हो जाता, ठीक है ना, और हमारा बहुत सारे होते तो कलमयी हो जाता, जैसे फलई हो जाता है, ठीक। लेकिन एक है तो हमने कहा कलमेन। अब लिखने की धातु होती है लिख, लिखने की लिख, हंसने की हंस, पढ़ने की पठ, खेलने की खेल, और क्रीड़ भी होती है क्रीड, खेलने की, तो खेल धातु से भी दर्शाते हैं, क्रीड से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा लिखने की, अब यहाँ लिखो, तुम सब कलम से लिखो, तुम सब कलम से लिखो, तुम सब कलम से लिखो, दोनों तरह से कह सकते हैं, ना है लगा है, ना था थी लगा है, ना चाही लगा है, लोट लकार की क्रिया आएगी। लोट लकार की क्रिया क्या बनती है? याद रखिए, टेबल याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार याद करते हैं तभी तो याद रह पाएगी। अब परीक्षा में रफ कार्य में भी जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम, तू ताम अंतु। तो यहाँ पूछेंगे तुमसे कि हमारी जो लिखने की क्रिया है उसमें हम क्या प्रत्यय लगा दें, पुरुष वचन बताओ। तो कहेगा तुम मध्यम, मध्यम पुरुष है ये, एक जगह लिख भी लो कि मध्यम पुरुष है और बहुवचन है, यानी जो क्रिया आने वाली है वो मध्यम पुरुष बहुवचन की आनी है। तो हम क्या लिखेंगे? त्वम युवाम यूयम के हिसाब से क्रिया कौन सी आनी चाहिए? बहुवचन वाली। टेबल याद कीजिए, तू तम अंतु नहीं लगाएंगे, अ तम त, त जो आता है पूरा वाला त वो यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा लिखत। यूयम कलमेन लिखत, तुम सब कलम से लिखो, ठीक है। चलिए, आ गया समझ में? अब देखा हमने, बच्चा भालू से डरता है तो बच्चा उसको कहेंगे बालह, ठीक है। अब भालू से डरने की हमने बताई चुके हैं भीतरार्थे पंचमी, तो हमारी क्या बन जाएगी क्रिया? विभेति, क्योंकि बच्चा हमारा कैसा है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। भालू क्या बन रहा है हमारा? अपादाने पंचमी, भीतरार्थे पंचमी। तो भालू को क्या कहते हैं? भल्लूक। क्या कहते हैं? भल्लूक। भल्लू को कहते हैं, अब भल्लूक में वो जो बल्लू कहते हैं ना, बल्लू नाम, ध्यान रखना कि बल्लू से वो भल्लू बना, ठीक है। भल्लू कहा, भल्लूक कहा, अब उसमें क्या लगा देंगे? जैसे बालक में बालकात लगा देते हैं तो भल्लूक हो जाएगा भल्लूकात, ठीक है। तो बालह भल्लूकात विभेति, क्योंकि वो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता बना हुआ है। अब आगे लिखा है क्या वे सब पढ़ें, तो क्या शब्द कहाँ से आया? वही हमने कहा किम से आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। वे सब पढ़ें, अब वे जो होता है कहाँ से आता है? वह का बहुवचन होता है, वह, वे दोनों, वे सब। तो ये पुरलिंग भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? हमारा स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो अब हमें वे देखना है, क्योंकि हम कहेंगे कि दो तरह से हम वे बना सकते हैं। भाई लड़के के लिए भी प्रयोग किया जाता है वह, वे दोनों, क्योंकि सर्वनाम है, और वे सब। अब ये स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है, पुरलिंग के लिए भी हो सकता है, नपुंसकलिंग के लिए भी हो सकता है कि वह पढ़ता है। अब हम कहें यह लड़की के लिए है, वह पढ़ती है,
तो लड़की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पढ़े लिखा है तो यहाँ तो ना तो हमें ये समझ में आ रहा है कि लड़की की बात हो रही है लड़की की बात हो रही है, क्रिया भी हमें नहीं बता पा रही है कि किस लिंग की बात हो रही है। छोड़ो, तो अब हम दोनों में से चाहे पुरलिंग का या स्त्रीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये कहाँ से आते हैं, तत् के शब्द रूपों से आते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, कर्ता बन रहे हैं, तो सबके हम प्रथमा विभक्ति देख लेते हैं। पुरलिंग के लिए बनता है सह यानी वह, तौ वे दोनों, और ते यानी वे सब। स्त्रीलिंग के लिए बनता है, ये पुरलिंग के रूप हो गए, यानी अगर लड़के की बात हो रही हो सह तौ ते, तो वे के लिए हम ते लगा देंगे। अगर लड़कियां हैं ये वे सब पढ़े तो वह हो जाएगा सा यानी वह पढ़े, वे दोनों पढ़े तो ते, और वे सब पढ़े तो हो जाएगा ता। अगर नपुंसक लिंग है तो क्या हो जाएगा, तत् ते तानी, क्या हो जाएगा, तत् ते तानी। ठीक है, तो या हम वे के लिए, अब वे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप ते का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताह का भी कर सकते हो, तानी का भी कर सकते हो, जो मर्जी पड़े कर सकते हो। ठीक, तो ते और ताह में से कर लेना, स्त्रीलिंग पुरलिंग का कर लेना, तो वो ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। तो कहेंगे क्या वे, वे के लिए ते भी आ सकता है और ताह भी आ सकता है। ठीक है, अब वे सब वो हो गया इकट्ठा, क्योंकि वे सब हमारे उसे वे अकेला लिखा हुआ, तो वे सब लिखा होता तो समझ जाना कि वह वे दोनों वे सब किन से बनता है, सह तौ ते सा ते ता तत् ते तानी, हमारे तत् के शब्द रूपों से मिलते हैं। ले दे के सब बात वही आती है शब्द रूपों पे। अब कहा पढ़े, क्या वे सब पढ़े, अब ये आज्ञार्थ भी हो सकता है और एक हमारी मन की इच्छा, क्या वे सब पढ़े, अब ये हमारी मन की इच्छा है। एक इच्छा वाली बात में जब हम किसी की के उन सबका कल्याण हो, या आपकी इच्छा है तुम्हारा कल्याण हो, आज्ञा दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है, और एक जगह आप मन में कह रहे हो उन सबका कल्याण हो, एक जगह आप क्या कर रहे हैं, मन की इच्छा कर रहे हैं, तो मन की इच्छा वाले भाव में भी आप, भाव में आप विधिलिंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही धातु के पीछे चाहिए लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो। इसीलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि अगर इसको आज्ञा में कहा जा रहा हो तो आप पठंतु भी लिख सकते हो लोट लकार के हिसाब से, और पठेयु विधिलिंग के हिसाब से लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखोगे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये अंतु कैसे आया, तो अगर हमने पढ़ने को माना कि ये लोट लकार की बात है, ये आज्ञा की बात है कि वे सब पढ़े, क्या वे सब पढ़े, अनुज्ञा की बात है, तो हम क्या करेंगे, तो कहेंगे तो लोट लकार के जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम पुरुष के लिए होते हैं तू ताम अंतु। ठीक है, तू ताम अंतु, आ हटाई देते हैं, अंतु समझ में आया कि इतना जोड़ना है। फिर कहा अ तम त, फिर उत्तम पुरुष में कहा हमने आनी आव और आम। तो क्रिया से पूछा कि कर्ता को पूछ लो पुरुषवचन क्या है, इनसे पूछ लो, तो वे सब क्या बन रहे हैं, ना ही मैं है ना तुम है, प्रथम पुरुष बन रहे हैं, बहुवचन बन रहे हैं, तो क्रिया में अंतु लगा दो तो पठंतु हो गया। अगर विधिलिंग की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, वही त ताम न, तो एत एताम, बस अंत में ना की जगह यहाँ आ जाता है ए यू। ठीक है, यहाँ आ जाता है एह एतम एत, यहाँ आ जाता है एयम एव और एम, आ की जगह पे ए ए ए आ जाती है, ए की मात्रा लग जाती है, तो चाहे तो हम प्रथम पुरुष बहुवचन का ए यू भी लगा सकते हैं, तो बन जाएगा पठेयू। ठीक है ना, इस तरह से भाई हमने बता दिया है कि कई बार आप दोनों प्रकार के लकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जब आपको बस ये देख लेना कि थाथी थे नहीं दिख रहा हो तो लट नहीं लंग नहीं लगाएंगे, है हूँ नहीं दिख रहा है तो हमारा लट नहीं लगेगा, और अगर गागी गे नहीं लगाए तो भविष्य काल नहीं लगेगा। अब फिर देख लीजिएगा कि ये क्या क्या वे सब पढ़े, तो क्या क्या वे सब पढ़े, तो एक आपकी मन की इच्छा भी हो सकती है और आप किसी से उस बात को पूछ रहे हो, है ना, आज्ञा ले रहे हो, ये भी हो सकता है, तो आप दोनों में से किसी भी लकार का प्रयोग करेंगे गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलें अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने अगले सेट पर।
जिसमें लिखा है लता नाचती है, मतलब हम पता है ये प्रीवियस ईयर के क्यों आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, इसलिए आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ है ना कि अनुवाद कैसे आएंगे, वो डर खत्म हो जाए कि बहुत सरल आने वाले हैं, कुछ चीज़ें ही पता होंगी तो आराम से आप कर पाएंगे। देखो लिखा है लता नाचती है, कितना सरल लिखा हुआ है, केवल कर्ता दे दिया, क्रिया दे दी और कुछ नहीं। कौन नाच रहा है? लता। लता किस में बदलेगी? कर्तरी प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति में कोई रूप बदलना नहीं है, लता को लता जैसे लिखना है। अब नाचती है तो नाचने को हम दो तरह से लिख सकते हैं, नाचती है तो नृत्य धातु होती है हमारी, कौन सी धातु होती है? नृत्य, ठीक है, नृत्य धातु होती है। अब उसी में हमारे क्या रूप बन जाते हैं, जब उसके रूप बनाते हैं तो या का आगमन हो जाता है तो नृत्य हो जाता है, नृत्य क्या हो जाता है? नृत्य बन जाता है। और फिर उसमें हम तीतः अंति लगा देते हैं, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। लता क्योंकि प्रथम पुरुष में है, मैं तुम है नहीं, प्रथम पुरुष की है, एकवचन की है, तो ती लगा दिया, हो गया। या फिर नृत्य करती है अगर ऐसा लिखा हुआ हो, या नाचती है तो आप ये भी लिख सकते हैं नृत्यम करोति, दोनों तरह से रूप बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें नृत्यति लिख देना है, ज़्यादा बीच में नहीं पढ़ना है, तो हमें ऐसे भी नहीं लिखना है, उनके लिख देंगे अपना नृत्यति, लता नृत्यति। आगे कहा तुम सब, कर्ता अलग कर लिया, गेंद से अलग कर लिया, खेलते हो अलग कर लिया, सब अलग हो गए। अब ये कौन हो गए? कर्ता, कर्तरी प्रथमा। तुम सबको क्या कहते हैं? त्वम युवाम यूयम, क्या कहा जाता है? यूयम कहा जाता है। अब यूयम लिख दिया, गेंद क्या हो रही है? सहायक बन रही है, साधक तमम करणम, करणे तृतीया, तो गेंद में तृतीया लगा दी, कंदुक हो गया। गेंद को क्या कहा जाता है? कंदुक, कंदुक बन गई, कंदुकेन, तो तृतीया। अब खेलते हो, खेलने की बात खेल धातु से या क्रीड धातु से दर्शाया जाता है, चाहे तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? खेलत। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि खेलथ, अब था क्यों आया या क्रीडत क्यों आया? तन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम सब गेंद से खेलते हो तो आज्ञा या अनुज्ञा बात हो रही हो, यहाँ पे हम लट लकार का ही प्रयोग करेंगे, तो इसमें से हम लोट लकार को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो खेल धातु खेलने के लिए ले लो या क्रीड धातु ले लो, आएगी कौन सी क्रिया भाई? क्योंकि हो कह रहा है लट लकार की बात पे जाओ, तुमने कहा मध्यम पुरुष में जाओ, मध्यम पुरुष की वो भी बहुवचन में, तो ती तह अंति नहीं लगाया, सी थह थ लगाया, क्योंकि मध्यम पुरुष की बहुवचन में थ लगाया जाता है, तो लगा दिया, हो गया यूयम कंदुकेन खेलत या क्रीडत, ठीक है। आगे लिखा है कल मोहन बाजार जाएगा, अब जाने की बात कल की बात हो रही है, यहाँ से देख लेना टुमोरो की बात हो रही है, तो कल को श्वह दर्शा देंगे। मोहन जाने का काम कर रहा है, तो मोहन करता है मोहन, ठीक है, बाजार को आपण, क्या हो गया? कर्म, आपणम हो गया। जाएगा तो कर्ता कैसा है? हमारा प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है, तो क्रिया में क्या आएगी? तीतः अंति में से ती लगाएंगे, भविष्य काल वाला, तो वही श्याति श्यता श्यंती हो जाएगा गमिष्यति, अपन ने पहले बता ही दिया है, जाने की धातु गम से बनती है और प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से ती लगा देंगे, भविष्य काल है तो श्यति लगा देंगे, ती अकेला नहीं लगाएंगे, श्यति लगा देंगे और ई का आगमन कर देंगे, तो गम धातु हो जाएगी गमे और लगा देंगे श्यति, ठीक है। कल रमेश कहाँ था? तो भाई कल था थी थे वाला है, तो भूतकाल वाला यह हो जाएगा, रमेश नाम है तो रमेश लिख देंगे प्रथमा विभक्ति में, कहाँ को कुत्र कहेंगे? था थी थे आसीत से बन जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है रमा सीता के साथ पढ़े, पढ़े, अब क्रिया कौन सी आ रही है हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा या अनुज्ञा की बात आ रही है, तो हम चाहे तो इसमें पढ़े यानी पढ़ने चाहिए का भी अर्थ निकल सकता है, और यानी जब ऐसी क्रिया आ जाए, ध्यान कीजिएगा कि आज्ञा वाला भी लग रहा हो लेकिन चाहिए ना लगा हो, इच्छा की भी बात हो कि रमा सीता के साथ पढ़े, ये मेरी इच्छा है अंदर, बाद में हो सकता है कहा हो कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मन की इच्छा है, जो रमा है वो सीता के साथ पढ़े, इच्छा वाली बात में विधिलिंग भी लगा सकते हैं, और अगर ये हमें आज्ञा के रूप में बनाना है तो लोट लगा दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, किस प्रकार से आप इसको बनाना चाह रहे हो, दोनों ही लकारों में सही रहेगा, गलत नहीं होगा। तो रमा कौन हो गई है? क्योंकि पढ़ने का काम कर रही है तो रमा प्रथमा विभक्ति में होगी। सीता के साथ, साथ किसको कहते हैं? सह को, किसके? अब सीता में लगा है के, तो इस हिसाब से तो हमें इसमें क्या लगा देनी चाहिए? षष्ठी सीता या लिख देना चाहिए, लेकिन सहार्थी तृतीया सूत्र क्या कहता है कि सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगाते हैं, तो
तो सीता 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 या षष्ठी नामन की सीतया तृतीया बन जाएगी, तो हो गया सीतया। रमा सीतया सह और पढ़ने की धातु है, तो चाहे तो हम पठतु लिख दें या पठित लिख दें, क्योंकि रमा कौन है? प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन है, ना तो मैं तुम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, और एक है, तो हम चाहे तो लोट लकार की तू लगा दें या एत लगा दें विधिलिंग लकार का, इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। चले आगे लिखा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब क्रिया गिरने का कौन कर रहा है? पत्ते, तो पत्ते कौन हो गए? कर्ता, तो पद कर्ता बन गए, कर्तरी प्रथमा, लिख लीजिए ध्यान से। अब गिरना यानी अलग होने का काम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है, तो वृक्ष कौन बन गया? अपादान हो गया, ठीक है। अपादान है पंचमी, तो वृक्ष हो जाएगा पंचमी विभक्ति में वृक्षात, बालक होता है बालकात, वृक्ष हो गया वृक्षात। पत्ते बहुत सारे हैं, पत्तों को क्या कहते हैं? पत्र भी कहते हैं, पर्ण भी कहते हैं। पत्ते को पत्र भी कहा जाता है और पर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब गिरने का काम एक नहीं बहुत सारे कर रहे हैं, तो पत्र शब्द कैसा होता है? नपुंसक, पत्रम पत्रे पत्राणी, नपुंसक लिंग होता है। तो प्रथमा विभक्ति में हम रूप लेंगे इसके, तो क्या बनेंगे? फल जैसे रूप बनेंगे, तो फलम फले फलानी, तो ऐसे ही बनेगा पत्रम पत्रे पत्राणी। णी इसलिए आएगा कि फल में रा नहीं था, इसलिए नी नी रह गया था, लेकिन पत्र शब्द में देखिए फल शब्द को फलानी क्यों बना देते हैं, नी क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि इसमें कहीं पे भी रा या शा का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे रा दोनों में है, तो पत्रम पत्रे पत्राणी भी बनेगा, तो नाणा में बदल जाएगा अणत्व विधान से, और पर्ण भी बन जाता है पर्णम पर्णे पर्णानी बर्णानी, लेकिन यहाँ पे नणा होने से ना में परिवर्तित होकर अणानी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भाई ये हमारा रूप चलता है, तो हम पत्र को ले लेंगे, पर्ण वाले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पत्र से हमारा ज़्यादा रूप स्पष्ट हो रहा है। पत्रम पत्रे पत्राणी, गिरने को कहते हैं पत धातु से, पत धातु का अर्थ होता है गिरना, तीतः अंति क्या लगाएंगे? तो इससे पूछेंगे कि पत्ता क्या है? मैं तुम है नहीं है ना, छह लोग नहीं है ना, मैं हम दोनों हम सब नहीं है, तुम दोनों तुम दोनों तुम सब नहीं है। प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, वो भी कैसी आएगी? एक वाली दो वाली या बहुत सारी? पत्ते बहुत सारे हैं तो बहुवचन वाली, ती नहीं लगाएंगे, तह नहीं लगाएंगे, अंति लगाएंगे, और ये हो जाएगा पतंती, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हो गया वृक्षात पत्राणी पतंती। क्या मैं पढ़ूँ? फिर से बात आ गई, पढ़ूँ ये मेरी इच्छा भी हो सकती, आज्ञा भी हो सकती, अनुज्ञा हो सकती है, और मेरी इच्छा विधिलिंग में भी बना सकती हो और अपने किस में लोट में भी बना सकते हो। क्या को किम कहा, मैं को अहम कहा, पढ़ने को हमारी कौन सी? उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी, क्योंकि एक वचन की बात हो रही है, अहम मैं उत्तम पुरुष है, तो लोट लकार में आनी लगा देते हैं, विधिलिंग लकार में एम लगा देते हैं, तो चाहे पठानी लगा दें या पठेम लिख दें, हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में चलते हैं, लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा या अनुदलिखित, फिर से वही बात है, अगले सेट का है ये हमारा। श्यामा फल खाती है, तो खाने का काम कौन कर रही है? श्यामा, कर्तरी प्रथमा, प्रथमा में क्या खाना चाह रही है? फल को, कर्मणि द्वितीया फलम, खाने को खाद धातु से दर्शाया जाता है, किससे? खाद। अब इसमें क्या लगाएं, क्योंकि लट लकार की बात हो रही है, तो श्यामा से पुरुषवचन पर पूछेंगे कि भाई कौन सी हो? उत्तम मध्यम है नहीं, श्यामा एक है, प्रथम पुरुष की है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ती लगा देंगे, खादती लग जाएगी हमारी क्रिया। हम सब पुस्तक पढ़े, अब हम सब बात हो गई, हम सब को क्या कहा जाता है? वयम, मैं हम दोनों हम सब, वयम हो गया। पुस्तक कर्म हो गई, पुस्तकम हो गया। पढ़ने को पठ से दर्शाएंगे, और अब क्रिया में है हूँ है, लट लकार की कौन सी क्रिया आएगी, क्रिया का कौन सा रूप आएगा? तो हम सब से पूछेंगे, मैं हम दोनों हम सब, उत्तम पुरुष का बहुवचन, तीत अंति नहीं आएगा, सीथ थ नहीं आएगा, आमी आवह आमह आएगा, पठ हो जाएगा पठाम, ठीक है। चले कल विद्यालय में परीक्षा होगी, अब ये कल कौन सा है? गागिकी ने कहा भविष्यकाल वाला, तो स्वह, विद्यालय में, विद्यालय में मैं लगा हुआ है, तो मैं के हिसाब से ये क्या बन गया? अधिकरण, अधिकरणे सप्तमी, कारक कौन सा बन गया? अधिकरण कारक बन गया, अधिकरणे सप्तमी, तो सप्तमी में विद्यालय बन गया विद्यालय, बालक बनता है सप्तमी में बालके, तो विद्यालय बन गया विद्यालय। परीक्षा होगी, होने के द्वारा क्या होने जा रहा है? परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा कर्ता, तो कर्तरी प्रथमा, आकारांत है लता मारा शिक्षा विद्या
ठीक है, परीक्षा, द्विचक्री का सब क्या है, आकारांत शब्द है, तो प्रथमा विभक्ति क्वेश्चन में जैसे कि तैसे रहेंगे। होने को भव से दर्शाते हैं, होने का अर्थ क्या होता है, भव से, अस धातु और भव धातु से, तो होगी को क्या बताएंगे, क्या किससे दर्शाएंगे, भव, तो हो जाएगा भविष्यति। भव धातु में भू धातु होती है, मूल रूप तो भू होता है, भू का रूप बनता है भव, जैसे नी का नय बन जाता है ऐसे ही भू का भव हो जाता है। अब इसमें हम स्यति स्यतः स्यन्ति जोड़ेंगे तो किसके हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से जोड़ेंगे, तो परीक्षा ना तो मैं तुम, मैं नहीं है तुम नहीं है, प्रथम है एक वचन है, तो क्या आएगा, श्यति लग जाएगा, तीतः अंति का ती लग जाएगा, लेकिन भव में पहले हम ई की मात्रा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भविष्यति, ठीक है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, ठीक है। चले, लिखा है कल उमा कहाँ थी, एकादशा आता है कुत्र वाला याद रख के जाएगा, कल थी की बात हो रही है तो यह हो गया उमा नाम है प्रथमा विभक्ति में, जैसा का तैसा आ गया, कहाँ को कुत्र कहते हैं, था थी थी आ जाता है एकादशा याद रख के जाएगा। तुम सब पढ़ो तो क्या हो जाएगा, तुम सब पढ़ो, बात कहे कहाँ के करेंगे, लोट लकार वाली, ठीक है। तुम दोनों, तुम सब नहीं है तुम दोनों है, तो त्वम के संग बाद क्या आता है, युवाम, तुम दोनों युवाम, त्वम युवाम युयम, तुम दोनों तुम सब, तो युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। पढ़ो पठ से दर्शाएंगे, लोट लगार की क्रिया लगा देंगे, आज्ञा वाली, तुम सब पढ़ो आज्ञा, तुम सब पढ़ो आज्ञा, ठीक है, आज्ञा के हिसाब से बना रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, कौन सी क्रिया, इससे पूछेंगे ना क्या लगाएं बताओ, तो ये कहेगी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का रूप लगा दो, तो तू तम अंतु अ तम त तम लगा देंगे तो पठ तम हमारा बन जाएगा। ले देखे सारी चीजें, देखिए कहाँ पे जा रही हैं, केवल शब्द रूप और क्रिया के इर्द गिर्द घूम रही हैं और कहीं नहीं जा रही हैं। आकाश से वर्षा हो रही है, आकाश से वर्षा जब होती तो अलग होती ना, तो आकाश क्या हो गया, अपादान कारक, अपादाने पंचमी, आकाश बन गया आकाशाद, पंचमी विभक्ति में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या हो गई, कर्ता हो गई, कर्तरी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति में आकारांत है तो कुछ नहीं बदलना है, जैसा का तैसा लिखना है। होने को भू धातु से दर्शाते हैं, भू का रूप भव बन जाता है, और वर्षा के हिसाब से इसमें क्या लगाएंगे, तीतः अंति क्या लगाएंगे, वर्षा एक वचन है, मैं तुम है नहीं, तो क्या है ये, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में एक वचन है तो भू हो जाएगा भवती, भव धातु में ती लगा देंगे, ठीक है। भू धातु का रूप, भू का अर्थ होता है होना, हो रही है, होती है, ठीक है, ये सब होगी, जब मूल क्रिया नहीं हो, अकेला होने की बात हो रही हो, तब भू धातु का प्रयोग करना, ठीक है। क्या मैं मेला जाऊं, क्या किम, मैं अहम, मेला मेलकम, मेलक शब्द से दर्शाते हैं, क्योंकि जाने के द्वारा वहां जा रहे हो, मेला जा रहे हो, तो वो कर्म बन गया, कर्मणि द्वितीया बन गई, मेलक बन गया मेलकम। जाऊं क्या हो रही है, अब ये पूछने की बात हो रही है, क्या मैं मेला जाऊं, पूछ रहे हो, आज्ञा ले रहे हो, आज्ञा दो या आज्ञा लो, आज्ञा अनुज्ञा दोनों बातें हो गई, आज्ञा ले रहे हो तो जाने को किससे दर्शाएंगे, गम धातु, लोट लकार है, लिट नहीं है, तो गच्छ बन जाएगी, गच्छ में क्या लग जाएगा, लोट लकार में आनी, तो गच्छ हो जाएगा गच्छानी, लोट लकार में आनी आव आम, ठीक है। लीजिए, तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर के चारों सेट में जो 2020 में आए थे, आपके जितने भी आपके रचना अनुवाद यानी हिंदी के अनुवाद दिए हुए, हिंदी के वाक्य दिए थे और उनको संस्कृत में आपको परिवर्तित करना था तो हमने सिखा दिया, ये दिखाने के लिए कि बहुत सरल आते हैं, सरल से सरल होते हैं, सरलतम होते हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। और ट्रांसलेशन के अनुवाद की और भी कोई आपको समस्या है तो 5 तारीख को भी हम लाइव लेने वाले हैं आप लोगों को, जिससे कि उसमें आपको सारी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल पूरी कवर हो जाएंगी, कहीं पर भी कोई समस्या आपकी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो सुभाषितानी पाठ या आपके सौहार्दम प्रकृति शोभा और विचित्र साक्षी या सूक्तयः, इन पाठों के प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब को भी अगले वाली वीडियो में हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।